हेलो स्टूडेंट, तो माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो बेटा आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डीटीएस में मैथ का पेपर सेकंड, मतलब ये डीटीएस 6 है जिसमें मैथ का पेपर 2 अपन डिस्कस करेंगे जी एडवांस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है, इफ एफ एक्स इक्वल टू स्टेप ऑफ 2008 + 97 साइन एक्स वेयर ये जी आई मेंशन बोला गया, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल इज गिवन एक्स 0 से π। 0 से π ओपन इंटरवल में आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या होंगे। तो ये आपको पता होगा कि जो स्टेप फंक्शन है वो जनरली बेटा स्टेप फंक्शन ऑलवेज इंटीजर पे क्या होगा, स्प्लिट होगा, इंटीजर पे क्या होगा, जंप लेगा, और इंटीजर पे जंप लेगा तो उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस भी होगा और नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो देखो उसमें करना क्या, क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा स्टेप के अंदर कुछ इंटीजर पार्ट हो तो उसको अपन डायरेक्ट स्टेप से बाहर ले सकते हैं। तो इस फंक्शन को आप राइट कर सकते हो एफ एक्स इक्वल टू 2008 प्लस स्टेप के अंदर आ गया 97 साइन एक्स, एक्स आपका 0 से π है ओपन इंटरवल में, तो 0 से π में साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से 1, और 97 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू होगी 0 से 97 की वैल्यू। अरे कुछ नहीं करना यार, 2008 तो आपका एक कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ओनली दिस पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करके इसको देखना है कि इसका स्टेप कितने पॉइंट पे क्या होगा, जंप लेगा या डिसकंटीन्यूअस होगा, जितने पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है उतने पॉइंट्स पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो चलो अपन एक बार इसका रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 97 साइन एक्स है, तो 0 से पाई में जब इसका डायग्राम बनाओगे तो वैसे होगा, ये 0 है ये पाई है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो अकर करेगी कितनी 97। अब अपन को ये पता है कि 97 साइन एक्स जब जब इंटीजर वैल्यू देगा, जब जब ये क्या होगा इंटीजर, देन उस केस में क्या होगा जंप ले सकता है, मतलब फंक्शन ब्रेक होगा आपका। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये पाई वेट हुए, 0 से 97 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर आने वाले हैं, इधर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 96। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली देखना इसको। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, जीरो से पाई बाई टू में एक बार तो इंटीजर ये इस पॉइंट पे देगा, और पाई बाई टू से पाई में एक बार इंटीजर ये दिस पॉइंट पे। तो देखो क्या करना है इसके बाद अपन को, तो आपको ये देखना है कि 0 से पाई में ये इंटीजर इसका आउटपुट इंटीजर कब होगा। तो देखो एक तो वन है इसका, तो ये वैल्यू 1 को होगी एक दिस पॉइंट की रिगार्डिंग और एक दिस पॉइंट की रिगार्डिंग। सिमिलरली 2 भी आपका 2 पॉइंट पे होगा, इसका आउटपुट 3 भी आपका 2 पॉइंट पे होगा, और 96 भी आपका 2 पॉइंट्स पे होगा, और 97 ओनली 1 पॉइंट पे होगा। अब देखो थोड़ा एक लॉजिकल पार्ट है वो देखना, ये 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो ये ऑलवेज ईच इंटीजर पे क्या होगा स्प्लिट होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ये पॉइंट आपका अल्फा है तो अल्फा पे वैल्यू 1 है तो स्टेप 1 होगा, 1 प्लस पे 1 प्लस का स्टेप 1 होगा, और अल्फा से जस्ट लेस वैल्यू लोगे तो 1 माइनस का स्टेप 0 बन जाएगा। मतलब जब फंक्शन आपका कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो और कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो तो वो फंक्शन जिन जिन पॉइंट पे इंटीजर है उन पे 100% क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा आपका। ठीक है, तो देन आपको पता चल गया कि 0 से पाई बाई 2 में 1, 2, 3 और 96 इन पॉइंटों पे क्या होगा 100% ये ब्रेक होगा आपका डायग्राम। सिमिलरली पाई बाई 2 से पाई में भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो 100% ये इन पॉइंटों पे क्या होगा ब्रेक होगा आपका, मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू आपकी 96 है, जस्ट ग्रेटर पॉइंट लोगे तो वैल्यू 95 होगी, और जस्ट लेस पॉइंट लोगे तो अगेन 96। तो ये अगेन LHL RHL दोनों क्या होंगे इसके डिफरेंट आने वाले। ठीक है, तो देखो 96 पॉइंट इसकी रिगार्डिंग है, 96 पॉइंट इधर है, तो 96 × 96 192, और पाई बाई 2 की रिगार्डिंग भी साइन पाई बाई 2 तो 1 आ गया, पाई बाई 2 प्लस और पाई बाई 2 माइनस पे साइन की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 बन जाएगा, तो एक ये तो 193। 0 1 को लेना नहीं है, सॉरी 0 और पाई को, क्योंकि 0 और पाई पे अपन को चेक नहीं करना, और सिंपल सी बात है अगर इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी जाए 0 से पाई तो 0 और पाई पे तो ये अगेन आपका डिफरेंशिएबल है या कंटीन्यूअस है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0, 0 प्लस पे भी वैल्यू आपकी 0 होगी, पाई पे वैल्यू 0 और पाई माइनस से जस्ट लेस का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 होगा।
ओपन जीरो से पाई में टोटल ये 193 पॉइंट्स पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल और डिसकंटीन्यूअस होगा। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है फोर एन इंक्रीजिंग एपी ए1 ए2 ए3 एन ए1 ए3 ए5 का सम आपको -12 गिवन है, ए1 ए3 ए5 का मल्टीप्लिकेशन आपको 80 गिवन है, देन व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब आपको देखना है ए1 ए3 ए5 ए6 में से किसकी वैल्यू रॉन्ग है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना, बेटर ऑप्शन क्या है, ये जो एपी गिवन है ए1 ए2 ए3 आपके एपी में, इस एपी में जो रिलेशंस आपको गिवन है टू रिलेशन, इन ऑल टू रिलेशन में ओनली ए1 ए3 और ए5 का रोल है, ठीक है। तो अपन एक काम करते ना, एपी की स्टार्टिंग की 5 टर्म सेलेक्ट करते हैं। तो एपी की स्टार्टिंग की 5 टर्म क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ए इधर ए प्लस डी, इधर क्या होगा ए प्लस टू डी, जस्ट प्रीवियस ए माइनस डी और उससे जस्ट प्रीवियस। तो जब भी आपको एपी की 5 टर्म्स को क्या करना है कंसीडर, तो आप दिस कंसीडर करोगे। अब सुनो इसमें, दिस इज आपकी फर्स्ट टर्म इज ए1, दिस इज ए2, दिस इज ए3, दिस इज ए4 और दिस इज ए5। बस इसी से अपना क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो करें अपन ट्राई, देखो ए1 ए3 ए5, ए1 ए3 और ए5 इनका सम करोगे तो क्या आ गया 3a = -12, तो देन a आ गया -k4, ये लो a आ गया। अब ओनली आपको d कैलकुलेट और करना है, a इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है, a इसकी थर्ड टर्म में ध्यान रखना है, आगे a3 - 4, यस सर। अब क्या करें, a1 a3 5 को मल्टीप्लाई, तो a3 तो a आपका a1 a - 2d और a5 आपका a + 2d, तो देन इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो a + b * a - b a² - b² तो क्या आ गया बेटा a² - 4d² = आ गया 80। a को जब -4 लोगे, देखो -4 उधर जाके आ गया -20 और ये क्या आ गया 16 - 4d² देन ऑफ 4d² = 16 + 20 36 होगा, तो देन d² = 9, तो d आ गया +-3। बट क्वेश्चन ने बोला गया दिस इज इंक्रीजिंग एपी, और एपी अगर आपकी इंक्रीजिंग है तो उसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो इसके अकॉर्डिंग d आ गया आपका। अब बस क्वेश्चन फिनिश है, इसके बाद a पता है d पता है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट टर्म में पुट करोगे a को -4 और इसको 3, तो -4 - 6, तो फर्स्ट टर्म को क्या होगी -10। -10 आने के बाद सेकंड टर्म क्या है, तो -4 - 3 - 7, अगला -4 है, तब तो कुछ नहीं करना आपको, आगे जाना है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है -3 है, तो सब में +3 ऐड करते चलो ना, तो फिर 1 आ जाएगा, 1 ऐड करोगे तो फिर 4 होगा, 4 के बाद 7 होगा, बोलो आया ना, ठीक है ना। एक बार अगेन देखो, -4 में जब 3 ऐड करोगे तो -1 आएगा, फिर -1 में 2 आएगा, और फिर 2 के बाद 5 आने वाला है। देखो a1 - 10, यस सर, a3 - 4, यस सर, a5 - 2, यस सर, और a6 - 7, गलत। तो इसका फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा, इसने पूछा व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्या क्वेश्चन है, नंबर 14। हां ये क्वेश्चन थर्ड को पढ़े सभी। इफ ग्राफ ऑफ मोड y इक्वल टू fx और y इक्वल टू fx का मोड, मतलब आपको मोड y इक्वल टू fx और y इक्वल टू fx के मोड का मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ गिवन है, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बोला गया, आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या एक दो पढ़ लेते हैं अपन। fx इज डिसकंटीन्यूअस एट 2 पॉइंट्स इन -b2a एंड नॉन डिफरेंशियबल एट 2 पॉइंट्स इन ओपन -b2a, मतलब आपको इन ऑल फोर ऑप्शंस में ये चेक करना है कि -b2b में ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशियबल हुआ। तो देखो अपन क्या करते हैं, उसमें वन बाय वन बात करते हैं। इसका एक काम करो, इसके डायग्राम पे फोकस करो, आपको मोड y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ एक्स के मोड का डायग्राम गिवन है, तो देन आपको इससे एफ एक्स का डायग्राम करना फाइंड आउट। एफ एक्स का डायग्राम अगर आपने क्या कर दिया फाइंड आउट, तो आप इजीली चेक कर पाओगे कि वो -b2b में हाउ मच पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशियबल और डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको अपन एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
आपको मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू एफ एक्स के मोड का डायग्राम गिवन है, तो देन आपको एफ एक्स के डायग्राम को करना फाइंड आउट। तो देखो पर इसको ट्राई कर, ये एक्स एक्सिस से ले, ये लेडीज की वाइज, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अपन इंटरवल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस इंटरवल में एफ एक्स का डायग्राम कैसा होगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं ए टू बी में, इधर आओ, ए टू बी की बात करोगे आप, दोनों में ए टू बी की बात करोगे, इधर ए है इधर बी है, लेट इधर माइनस ए होगा और लेट इधर माइनस बी और दिस इज जीरो। तो थोड़ा समझने की ट्राई करना बेटा, ए टू बी में एफ एक्स का डायग्राम कैसा है ये अपन को जस्टिफाई करना है। तो एक बात सोचो, ए टू बी में अगर आपने ओनली आपने बोला सर हम तो ए टू बी में ये वाला पोर्शन लेट करते हैं, भाई डायग्राम की शेप तो इनमें से होगी ना। तो अगर एफ एक्स का डायग्राम ए टू बी में ऐसा होगा, अपन को ये पता है यार मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो बताओ मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स कब आ सकता है। तो मोड वाई आपका पॉजिटिव है, मतलब इस डायग्राम के लिए एफ एक्स का पॉजिटिव होना मस्ट है, क्योंकि जो मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स है ये डायग्राम आपका ए टू बी में और माइनस बी टू ए के अंदर बनाया हुआ है। इसका मीनिंग ए टू बी और माइनस ए टू बी में जो एफ एक्स का डायग्राम है इसका पॉजिटिव होना मस्ट है, क्योंकि अगर ए टू बी और माइनस बी टू ए में एफ एक्स का डायग्राम अगर नेगेटिव होगा तो मोड वाई इक्वल टू नेगेटिव, तो गलत हो गया ना, रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये फाइनल हो गया कि ए टू बी में और माइनस बी टू ए में एफ एक्स के डायग्राम को तो ये होना मस्ट है। और अपन को पता है मोड वाई इक्वल टू कि वाई इक्वल टू एफ एक्स का डायग्राम गिवन है और आपको मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स के डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो क्या ध्यान रखना है कि मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स के लिए तो एफ एक्स के पॉजिटिव पार्ट का पहले तो एफ एक्स के नेगेटिव पार्ट को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि एफ एक्स का पार्ट अगर नेगेटिव होगा बेटा तो मोड वाई इक्वल टू नेगेटिव इज फॉल्स, तो नेगेटिव पार्ट को तो लेना नहीं है और जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी एक्स एक्सिस के रोंग आपको क्या लेनी है इमेज, क्यों, क्योंकि आप समझो ना यार वाई इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस एफ एक्स, तो जैसा डायग्राम पॉजिटिव होगा उसका रिफ्लेक्शन अब भी लेना है अपन को। तो देखो इस केस में तो सिंपल इसका डायग्राम कैसे होगा, ये लो जो एफ एक्स है इसमें इधर ऐसे रहा होगा और इस वाले पोर्शन में सॉरी दिस पोर्शन में डायग्राम आपका ऐसे होगा। और आपको सोचो ना अगर y इक्वल टू एफ एक्स का डायग्राम इस टाइप का रहा है तो जब मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स की बात करोगे तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा इसका नीचे आएगा, मतलब ये वाला पार्ट तो फाइनल हो गया। अब बात करते हैं माइनस ए टू ए के अंदर, तो देखो ए टू जीरो टू ए में ये मोड एफ एक्स का मोड का डायग्राम है, तो एफ एक्स के मोड के डायग्राम में क्या होगा कि अगर एफ एक्स का डायग्राम में पार्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव का मोड पॉजिटिव बन जाएगा बस। तो उसमें देखो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बाय चांस अगर 0 टू a में एफ एक्स का डायग्राम नेगेटिव है तो फिर तो इसका मोड पॉजिटिव आके ही आ सकता है। और आपने बोला सर पॉजिटिव लेने में क्या दिक्कत है, तो अगर एफ एक्स के डायग्राम एफ एक्स का जो डायग्राम है वो 0 टू a में पॉजिटिव होगा तो 0 टू a में अगर एफ एक्स का डायग्राम पॉजिटिव आ गया फिर तो भाई मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स का डायग्राम भी दोबारा इधर और इधर ऐसे बन जाएगा। बोलो आया ना, इसका मीनिंग 0 टू a में एफ एक्स के डायग्राम का नेगेटिव होना मस्ट है, सॉरी ए टू बी में और माइनस बी टू माइनस ए में एफ एक्स का डायग्राम का पॉजिटिव होना मस्ट है और माइनस ए टू ए में एफ एक्स का डायग्राम का नेगेटिव होना मस्ट है, मतलब ये फाइनल हो गया कि इस वाला पोर्शन आपका ऐसे बनेगा, समझ आया सबको, और इधर बनेगा ये ऐसे। और अब आपको सोचो इसका ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का डायग्राम है, अब आपको फर्स्ट डायग्राम तो बनाना वाई इक्वल टू एफ एक्स का मोड, तो एफ एक्स के मोड में क्या होगा नेगेटिव का रिफ्लेक्शन पॉजिटिव, तो आगे पार्ट फिर बनाना है मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स में क्या करते हैं नेगेटिव पार्ट को तो नेगलेक्ट कर दो और पॉजिटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन लो, तो आगे आंसर। तो क्या पता चला इसमें देखो कि माइनस बी टू बी में ये बेटा एक तो आपका एक माइनस ए पे ब्रेक होगा, एक ए पे और एक बस टू पॉइंट पे क्या होगा ब्रेक होगा फंक्शन, तो एफ एक्स डिस्कंटीन्यूअस है टू पॉइंट्स इन माइनस बी टू माइनस बी टू बी। और अगर बात करोगे डिफरेंशियबिलिटी की तो ओपन ब्रैकेट माइनस बी टू बी में ये माइनस ए और ए पे डिस्कंटीन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशियल भी होगा और जीरो पे क्या है शार्प कॉर्नर है तो जीरो पे भी क्या होगा नॉन डिफरेंशियबल, तो क्या आंसर होगा टू पॉइंट पे डिस्कंटीन्यूअस और थ्री पॉइंट्स पे
नॉन डिफरेंशियबल, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा बोलो? सेकंड ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है देखने में। द टोटल नंबर ऑफ डिससिमिलर टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस, इन दोनों के प्रोडक्ट में आपको टोटल डिससिमिलर टर्म को फाइंड आउट करना है। डिससिमिलर लगा दी रहने का, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ जाएंगी तो फिर तो सीधा कर देता मैं इस क्वेश्चन को। टोटल टर्म में तो क्या करते हैं सीधा, C0 से लेके 101 तक 101 टर्म तो ये हैं, इनटू ये टर्म कितनी है इसमें 101 की पावर 101। फिर तो इसमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता कि ट्राइनोमियल वाला कि n की a प्लस b प्लस c की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 2 c2। ऐसी 3 के लिए n प्लस 3 c2 है ना, ऐसे पता होगा आपको सबको। अरे सिंपल फॉर्मूला याद करें, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। ठीक है, इससे अपन इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, इसमें n तो क्या है पावर है और r क्या नंबर ऑफ डिससिमिलर टर्म, अंदर कितनी टर्म्स है, तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल टर्म तो इसमें काफी सारी होंगी, अपन को तो अभी पूछा गया है नंबर ऑफ डिससिमिलर टर्म, तो अपन एक काम करते हैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, ये तो क्या है, ये बेटा 1 माइनस एक्स की पावर 101 का एक्सपेंशन। बोलो ये सुन लो सिंपल। आफ्टर दैट ये देखो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या है, ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x से नंबर ऑफ टर्म्स इज 101 है। तो क्या करें, फर्स्ट टर्म है तो 1 है, उसके बाद x की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इज 101 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 101। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे आप a 1 माइनस r की पावर है और 1 माइनस r भी लिख सकते हो इसको। तो सिंपल सी बात ये कि जब आप इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लोगे, देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल, क्योंकि ये क्या है 1 माइनस x की पावर 101, तो ओनली क्वेश्चन आ गया 1 माइनस x की पावर 101 की पावर 101। तो ये तो क्या बाइनोमियल है ना, अब ये बाइनोमियल की पावर कुछ भी हो तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी n प्लस 1, तो इसकी टोटल, अब ये सारी टर्म ऑटोमेटिक डिससिमिलर टर्म होगी, ठीक है ना, तो टोटल डिससिमिलर टर्म क्या होंगी 102। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, एक सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं पैसेज 1। अब अगले 3 पैसेज हैं इसमें टोटल, 2 क्वेश्चंस की, तो देखते हैं अपन 1 बाय 1। देखो पैसेज फर्स्ट क्या बोला गया, एक सीक्वेंस गिवन है आपको बेटा a1 a2 a3 सेटिस्फाइंग a1 की वैल्यू 2 गिवन है, सॉरी a1 आपका 1 गिवन है, a2 आपका 2 गिवन है और an + 2 = दिस पार्ट है और n को 1 2 3 आप अप टू सोल्व ले सकते हो। तो बताओ an n greater than 2 = equal to, मतलब आपको an का फार्मूला जनरलाइजेशन करना है, तो सिंपल हो जाएगा ये। इसमें तो बच्चे क्या फटाफट हिटन टैल से भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे लेट आओ कर सकते हो और करना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो a1 आपका 1 है, इसमें a2 आपका 2 है, तो अपन एक काम करते हैं a3 की बात करते हैं। तो a3 के लिए क्या करोगे, n को 1 पुट कर दो। तो बेटा जब आप इसमें n को 1 पुट करोगे तो a3 क्या आएगा देखना, a3 इक्वल टू होगा 2 अपॉन a2 प्लस a1। तो a2 की वैल्यू 2 लोगे तो 2 अपॉन 2 1 आ गया और 1 इज 1, तो a3 भी आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब a3 2 आने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब एक दो तो लिख लेते हैं ना। तब आप a4 की बात करोगे तो सिंपल a4 क्या आएगा, देखो a4 का मीनिंग होगा 2 अपॉन a3, 2 अपॉन a3 इज 1 एंड a3 इज 2, तो 3 आ गया। अरे कल गलती नहीं होनी चाहिए, 2 अपॉन a3 प्लस a2 और a2 आपका 2 है तो दिस इज 3। फिर बात करते हैं एक बार a5 और देख लेते हैं, a5 के केस में क्या होगा, a5 क्या होगा बोलो, n को पुट करोगे 3 तो 2 अपॉन a4, तो 2 अपॉन a4 प्लस a3, तो a3 कितना है 2, 6 8 अपॉन 3 आ गया, क्या आ गया बोलो 8 अपॉन। अब ऑप्शंस गिवन है आपको, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मेट में इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है। तो देखो कैसे करना चाहिए, देखो जो जितने भी ऑप्शंस है उसमें क्या रहा है, n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, मतलब इस एक न्यूमेटर में 1 कम है तो डिनोमेटर में 2 कम लेके आना है इसको, और बाकी जो पार्ट है वो an माइनस 1 या an माइनस 2 के रिगार्डिंग होगा। और मैं तो बोल रहा हूँ एक काम करो फटाफट ऑप्शन रख के देख लो, जैसे लेट आओ
A3 की बात कर दो आप, ये A4 देख लो ना, सबसे बेटर ऑप्शन है A5 देख लो, जिससे A5 की वैल्यू 8/3 आएगी वो ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, और कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। तो अपन इसी चीज देखते थे, सिंपल ऑप्शन होगा। A5 की वैल्यू क्या होगी, तो A5 की वैल्यू में जैसे लेट आपने फर्स्ट ऑप्शन लिया, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, n को 5 पुट करने पे 4/3 × A4, A4 की वैल्यू आपकी 3 है, तो नहीं गलत आ रहा आंसर, हटाओ। फिर सेकंड ऑप्शन में बात करोगे तो n को 5 पुट करो, 3/4 × A4, और A4 की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया 9/4, ये भी गलत आ रहा है, हाँ है ना। अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, n-1, तो 4/3 × A4 − 2 A3 = 2, यस सर, तो क्या गया 8/3, बोलो आया ना, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक रिकरेंस इक्वेशन की तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये इसका मेथड है। अब ऐसे होने को तो हो जाएगा इसमें, जैसे लेट आपको ये देखना है कि A5 को पहले an-2 की फॉर्मेट में मिलाना है, तो ऐसे करो ना, इस A5 को an-2 मतलब उससे दो कम मिलाना है, तो एक काम करो उसमें 2 कर दो सेपरेट, तो 2 सेपरेट करने पे क्या आ गया, तो देखो इसको तो मैं A3 लिख सकता हूं, और ये क्या है A5 है ना, तो ये 5-1 ये 5-2, तो आ गया n-1/n-2 A3, ठीक है, तो स्टेप से भी लिख सकते हो, इसका तो ऑप्शन आ गया थर्ड। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें इस फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है उसका यूज भी करना है अपन को। तो देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पार्ट में आपको 8/2020 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा अपन ये साइड में लिख लेते हैं एक बार, कि जो आपका ए एन है उसका फॉर्मूला क्या है, सॉल्व करने पे n-1/n-2 an-2 आ गया, और अब आपको ए 2020 की वैल्यू को करना फाइंड आउट। बस ध्यान रखना A1 आपका 1, 2, 3 इतना सफिशियंट, इससे काम हो जाएगा अपना, और A4 भी लिख लेते हैं एक तरफ, A4 आपका 3, बस बाकी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब अपन करते हैं इसको ट्राई, क्वेश्चन नंबर 6। तो A 2020 की वैल्यू को करना है कैलकुलेट। देखो जब n को आप 2020 पुट करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, देखो A 2020 = 2019/2018 × A 2018। अब आप क्या करोगे, A 2018 की वैल्यू पुट करोगे, तो इस बार n को 2018 पुट कर दो, तो देन एक बार और लिखते हैं, तो ये पुट करने पे देखो क्या जाएगा, 2019/2018, और जब n को 2018 पुट करोगे उसमें तो क्या जाएगा, ये तो आ गया 2017/2016, फिर क्या आएगा आपका A 2016 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको सीधा सिमेट्री से सिखाने की ट्राई करता हूँ, न्यूमेटर में तो क्या होगा 19 आ गया, 17 आ गया, फिर 15 आएगा, फिर 13 आएगा, इधर 18, 16, 14, मतलब इधर तो इवन पावर होंगी और ये सारी ऑड पावर है। तो सिमेट्री से जब ऐसे आगे चलते जाओगे आप, तो A6 भी आएगा, अरे यार A 2016 है, इसकी वैल्यू पुट करोगे आप तो 2014 आएगा, फिर 14 पे 12 आएगा, तो A6 आएगा, तो A6 में क्या करोगे आप, A6 की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, इधर A6 आ गया तो A6 की वैल्यू क्या होगी, 5/4 × A4, यस सर, और A4 की वैल्यू क्या होगी, 3/A4 की वैल्यू क्या होगा, 3/2 × A2। बस अब A2 की वैल्यू पुट नहीं करनी अपन को, क्योंकि इसमें A2 तो यूज नहीं कर सकते अपन, क्योंकि n इसमें 2 से ग्रेटर है, और A2 की वैल्यू तो मेरे को पता है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये सिंपल मेथड हो गया। पहले आपने इसकी वैल्यू पुट की, फिर 18 की पुट की, फिर 16 की, तो आपको पता चल गया कि 70 से जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो A6 आएगा, A6 की वैल्यू पुट करोगे तो A4 होगा, और A4 की वैल्यू पे लास्ट में 2 हो जाएगा। अब इसको अपन को जो ऑप्शंस गिवन हो NCR की फॉर्मेट में गिवन है, तो देखो थोड़ा केयरफुली देखना, इसमें एक काम करो, मल्टीप्लाई में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये क्या है 3/5/2017/19, तो इसको ऐसे लिखते हैं अपन 1/3/5/2019, और अपन में क्या रहा है देखो 2, 4, 6
24/2018 और इस A2 को छेड़ना नहीं, इसकी तो बाद में बात करेंगे, और वैल्यू पुट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो थोड़ा केयरफुली देखना इसको, इसमें क्या करो, ये जो टर्म है 24/6/2018 इनको कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से कर दो, 4 से, 6 से, 2018 से, तो ये तो बन जाएगा फैक्टोरियल 2019 और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, तो ये लाइन लिख देते हैं अपन सिंपल, बस इसमें A2 की वैल्यू आपको 2 काम आने वाली है, इसको हटा देते हैं। तो देन जब आप इसमें ये कार्यक्रम करोगे तो न्यूमेरेटर में तो आ गया फैक्टोरियल 2019 अपॉन में क्या होगा, इस पे आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर आने के बाद एक काम कर सकते हैं ना, इस पे जब स्क्वायर आएगा तो सब में से 2 कॉमन लो आप, इस पे स्क्वायर है, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, तो जब आप इन सब में से 2 कॉमन लोगे तो 2 कितनी बार कॉमन आने वाला है बताओ, इसमें से 2 कॉमन आएगा 2 की पावर 1000, अरे यार ये टोटल टर्म कितनी है 1009, तो 1009 बार आपको कॉमन आने वाला है, तो क्या आएगा 1009 2 की पावर 1009 और ब्रैकेट में क्या गया 1 2 3 ... 1009 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन लिया तो 2 कितनी बार कॉमन आ गया 1009 तो 2 की पावर 1009 और ये आ गया 1 से लेके 1009 का मल्टीप्लायर, और दिस इज फैक्टोरियल इस A2 को, तो ऐसे रखो बाद में वैल्यू पुट कर देना, अभी पुट कर दो। तो देन ये क्वेश्चन क्या आ गया, फैक्टोरियल 2019 अपॉन फैक्टोरियल 1009, इसको दोबारा लिख देते समझाने के लिए, A2 की वैल्यू 2 पुट कर दो और अपॉन में क्या है 2 की पावर स्क्वायर करोगे तो ये आ गया 2018। ये लिखने के बाद एक काम साथ की साथ कर देते हैं, देखो ये 1009 है तो इन दोनों का समेशन क्या रहा है 1018, तो एक काम करो इसमें फैक्टोरियल n को लिखो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो 2019 तो ले लो बाहर और इसको कर दो 18, तो दिस इज एन सी आर का फॉर्मूला बन चुका है। तो ये तो आ गया दिस पार्ट, एक टू इसमें से कैंसिल कर देना, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया 2019 अपॉन 2 की पावर 2017 2018 C 1009, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चाहो तो आप लिख लो उसको, इधर आइए इधर लिख देते हैं, चलो इसी में समझ लेना आप कैसे लिखना इसको। देखो ऑप्शन है क्या, सब 2019 अपॉन 2 की पावर 2017 ये आ गया, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत वाले भी हैं, जो बच्चे मिस्टेक कर देते सीलिंग मिस्टेक, आपने अगर A2 नहीं लिखा इसमें, दिमाग से हट गया A2 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो पता चला 2019 वाला ऑप्शन 18 वाला ऑप्शन भी इसके अंदर, ये वाला देखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन में ये जो ये तो वैल्यू इवन है आपकी 2020, अगर ऑड की बात की जाएगी इसमें तो ऑड की किस में क्या होगा, लास्ट टर्म ए वन आने वाली, तो फिर इसमें वन का रोल नहीं होगा, तो अलग वे में आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर इसमें ये ऑड वैल्यू हो ए 2019 2017, तो फिर ए वन आएगा तो उसमें इस टू का रोल नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक अलग वे में आंसर आएगा। ठीक है, तो कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं, पैसेज नंबर 2। पैसेज 2 क्या, देखो एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, तो आपको एफ ऑफ जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, और एक बार इसका नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं फिर उसी के हिसाब से। हाँ, इसमें भी एफ ऑफ जी एक्स की मोड की डिफरेंशिएबिलिटी आपको देखनी है, मतलब आपको ओनली इसमें एक ही कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी एक्स। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपन एफ ऑफ जी एक्स की बात करते हैं। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन को क्या करना फाइंड आउट, कब, जब उसकी डोमेन डिफरेंट इंटरवेल में, फंक्शन की जो डोमेन स्प्लिट हो आपकी अलग अलग इंटरवेल में, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो, तो क्या करना है, देखो बेसिकली होगा क्या कि जी एक्स का जो आउटपुट है वो एफ की डोमेन में इनबिल्ट होना चाहिए, जी एक्स का आउटपुट एफ की डोमेन में होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जी एक्स को उस एफ एक्स के अंदर पुट करोगे। ठीक है ना, तो देखो क्या करें, जी एक्स का इनपुट तो क्या है दिस पार्ट, तो देखो आप ब्लैकबोर्ड पे समझो, एक्स की वैल्यू जब 0 से पाई बाय 4 लोगे तो पहले इसका एक बार आउटपुट देखो आप, क्योंकि जी एक्स का आउटपुट है वो एफ में डोमेन की तरह क्या करने वाला है, बिहेव करने वाला बेटा। तो 0 लोगे क्योंकि टेन एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पे तो 1 आ गया और 1 पे ओपन ब्रैकेट 2, मतलब
इस केस के रिगार्डिंग इसका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मीनिंग मतलब सॉरी 1 से 2 आउटपुट है, तो 1 से 2 किसके अंदर लाई कर रहा है, ऊपर वाले के अंदर, मतलब इस फंक्शन को इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, अब इस केस की बात करते हैं। देखो कोड का डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं, पाई बाई फोर पे तो वैल्यू ही देगा 1 और पाई पे वैल्यू का क्या होगी माइनस की इनफिनिटी। ठीक है, तो देखो पाई बाई फोर पुट करने पे तो कोड पाई बाई फोर 1 तो 2 - 1 = 2 आ गया, मतलब मैक्सिमम 2 आएगी इसकी, सॉरी मिनिमम तो की माइनस है ना, और माइनस इनफिनिटी पे माइनस इनफिनिटी प्लस प्लस इनफिनिटी को, हां ठीक है, इस पे इक्वल टू लगाना है, मतलब x की वैल्यू जब आप पाई बाई 4 से पाई के बिटवीन लोगे तो देन दिस पार्ट का जो आउटपुट है वो क्या आ गया 2 से इनफाइनाइट, और gx का जो ये वाला आउटपुट है वो इसके अंदर इनबिल्ट है, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू जब आपकी बच्चों 0 से पाई बाई 4 है तो जो gx फंक्शन है 1 + 10x इसको किसमें पुट करोगे आप, इसके अंदर, क्योंकि तो इसका जो आउटपुट है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो ये आ जाएगा x को जब 1 + 10x पुट करोगे तो क्या आ गया 3 + 10x, अरे तो लिख लोगे ना सभी, और जब x आपका बेटा पाई बाई 4 से पाई की बिटवीन लोगे आप तो देन इसका आउटपुट 2 से इनफिनिटी है, 2 से इनफिनिटी आपका इसके अंदर इनबिल्ट है, तो अब x की वैल्यू क्या पुट करोगे इसमें, ये तो क्या आ गया, ये आ गया 3 + cot x, ये आने के बाद तो कुछ नहीं, आप चाहो तो उसका डायग्राम बना दो, डायरेक्ट देख सकते हो, इसको नेम दे दो आप hx की, लेट ही hx फंक्शन है। तो देखो पहले तो अपन इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं, अपन को पता है tan x और cot x आपके tan x और cot x डोमेन के अंदर ऑलवेज क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, आपको सोचो ना, भाई डायग्राम बना दो, 1 मिनट लगेगी, डायग्राम सिर्फ सिंपल है करना, ये लो पाई बाई 4 आ गया और इधर पाई आ गया 0, देखो tan x इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू 4 होगी और पाई बाई 4 पे वैल्यू इसकी क्या होगी, सॉरी 0 पे 0 तो 3 आ गया और पाई बाई 4 पे 1 आ गया 4 आ गया, तो ये 3 आ गया 4, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी इसे, इस 4 को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें पाई बाई 4 पुट करो तो हाँ ये 4 आ गया, तो अब दोबारा पाई बाई 4 को लेना है, और cot पाई की वैल्यू क्या होगी, cot पाई की वैल्यू होगी माइनस इनफिनिटी, मतलब डायग्राम नीचे की तरफ भागने वाला है, और cot x इक्वल टू जो माइनस 3 होगा, मतलब पाई बाई 4 पे वैल्यू x को पाई लोगे तो cot पाई की वैल्यू क्या होगी माइनस इनफिनिटी, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होगा, तो देन इसका डायग्राम नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। तो देखो पाई बाई 4 पे तो क्या है, फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन पाई पे कंटीन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं इसने ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। हाँ, इसमें तो पाई बाई 4 पे बात की सारे ऑप्शंस में, डिसकंटीन्यूअस एट पाई बाई 4 रॉन्ग आंसर है, डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू पाई बाई 4 ये तो देखना ही है मेरे को, कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू पाई, मतलब आपको ओनली f ऑफ gx को पाई बाई 4 पे चेक करना है कि डिसकंटीन्यूअस हो गया, डिफरेंशियबल है, और कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो देखो पाई बाई 4 पुट करने पे ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, इसका मतलब ये पाई बाई 4 पे तो क्या कंटीन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो अब सार कॉर्नर का तो आइडिया ले नहीं सकते ना, तो एक काम करो फटाफट से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर जाएगा sec स्क्वायर x और इसका माइनस k cosec स्क्वायर x, ये f dash x है, तो हां अब आप पाई बाई 4 पुट करोगे तो इसमें तो f dash पाई बाई 4 √2 आएगा, इसमें माइनस पे √2 आएगा, इसका मीनिंग ये पाई बाई 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, चले ये तो होगी इसकी बात। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या बोला गया है, f ऑफ gx का मोड, तो जब f ऑफ gx के मोड की बात, ये तो fx का डायग्राम है आपका hx का, तो इसके मोड की बात करोगे तो मोड में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये लो तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो क्या करना है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, एक तो इस पे आंसर आएगा क्योंकि इस पे एक शार्प कॉर्नर है अपना, और इसकी बात करोगे तो एक शार्प कॉर्नर ये आ गया, तो बस दो आंसर जाएंगे इसके। ठीक है ना, तो इसका टू आंसर आपको फिल करना है, ये टू पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। वैसे लॉजिकली थोड़ा ध्यान रखें, हाँ सही है ना, क्योंकि मोड लोगे तो ये तो आपका एजिटिव रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, तो जब विदाउट मोड पे ये आपका नॉन डिफरेंशियल पाई 4 पे,
तो मॉड लेने पे भी तो इस डायग्राम की शेप ऐसी रहेगी ना, नो चेंज इसमें, तो देन ये फंक्शन पाई बाई फोर पे भी और ये दिस पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल। तो इसके केस में इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। चलो उसके बाद बात करते हैं पैसेज नंबर थर्ड की। हाँ भाई पैसेज थर्ड को पढ़ो, बहुत अच्छा पैसेज है। एक फंक्शन आपका एफ 0 to 1 to 0 to 1 में डिफाइन है, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 आपका 1 है, एफ डैश एक्स आपका गणन 0 बोला जाए। तो सबको पता होगा कि एफ डैश एक्स आपका गणन 0, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन की कॉनकेविटी क्या होगी, फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। बोलो आया ना, फंक्शन क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन की जो डायग्राम है वो कॉनकेविटी होगी, मतलब फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो चलो कर देते हैं ट्राई, क्या करना है इसमें। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है एफ ऑफ 0 0 है और एफ ऑफ 1 आपका 1 है। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डबल डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो दो ऑप्शन है, इंक्रीजिंग के केस में डायग्राम ऐसे होगा ये फिर ऐसे हो सकता है, बट ये तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये कॉनकेव अपवर्ड है, तो अपन को ये वाला डायग्राम मानना है fx का। तो जब fx का ये डायग्राम लेट करोगे देखो क्या जाएगा, रफली डायग्राम fx का तो डायग्राम ऐसे होगा, 0 पे 0 है और 1 पे आपका ये 1 है, 1 पे वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। इसका मीनिंग अपन ये थोड़ा बोल सकते हैं कि 0 पे 0 वाला 1 पे बना रहा है, इसका मीनिंग ये y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होगा 100%। ये y इक्वल टू x लेने से पास होगा, ये y इक्वल टू x से आता है। तो उसके बाद ये अगर fx का डायग्राम है आपका, तो इसका जब इनवर्स लोगे तो इनवर्स क्या होगा, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। इनवर्स में भी 0 पे वैल्यू 0 होगी और 1 पे वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 0 पे 0 है 1 पे 1 है, तो डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे, इंटरचेंजेबल होंगे ना। चलो तो उस केस में ये डायग्राम हो गया आपका एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब अपन थोड़ा दोबारा आगे चलो, ये मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया इसका, रफली क्या ठीक है कम और क्या। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन 0 to 1 इज, मतलब आपको बताना है एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो एक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नॉन नेगेटिव, नेगेटिव एज वेल पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, मतलब इसका आउटपुट देखना है कि इसका आउटपुट कैसा रहा होगा। और अगले पार्ट में क्या एक बार ये भी देख लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स क्या फंक्शन है, ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, बताओ ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है 0 to 1 में। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल क्वेश्चन अपन इजीली कर पाएंगे इसमें, तो इसमें तो क्या करना, चलो कर लेते कर लेते दोनों ही अपन को, इसका सीधा कर दो डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब भी किसी फंक्शन को क्या करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे उसका डिफरेंशिएशन। तो देखो ये आ गया ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स का डबल डैश एक्स हो गया, और इसका करोगे तो क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन इज एज इट इज, यस सर। तो देन इसमें बेटा e की पावर माइनस एक्स तो आ गया कॉमन, तो क्या रहेगा ब्रैकेट में f डबल डैश x माइनस k f डैश x। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे आप e की पावर माइनस x ये तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है और डबल डैश x आपका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और माइनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस के नेगेटिव आ गया, मतलब इससे पता चल गया g डैश x आपका नेगेटिव है, और g डैश x अगर नेगेटिव है तो फंक्शन 0 टू 1 में क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो सिंपल ऑप्शन हो गया आपका। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसकी नाइंथ क्वेश्चन में क्या करना, ठीक है ना। तो इसमें तो आंसर फिल कर देना, gx इज डिक्रीजिंग इन 0 टू 1, gx फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा 0 टू 1 में। अब अपन को ये लाना है fx f इनवर्स x माइनस x स्क्वायर, मतलब ये जो पार्ट इसका मीनिंग है कि जो x है ना इसमें ये 0 टू 1 में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इसमें क्या करें, तो सिंपल सी बात है x अगर 0 1 होगा फिर तो ये हमेशा ऑलवेज 0 आएगा, मतलब 1 ले लो ना, तो f इनवर्स 1 f ऑफ 1 और -1, तो
एफ इनवर्स वन एफ ओपन दोनों वन है तो वन माइनस वन जीरो आ गया, जीरो पे भी क्या आएगा जीरो। तो अपन एक काम करते हैं इसके इंटीरियर कोई भी पॉइंट लेके देखते कि जीरो टू वन में एनी कोई पॉइंट है आपका उनके बिटवीन, तो उस केस में इसका बिहेवियर कैसा रहा होगा। तो देखो लेट एक काम करो, ये जो फंक्शन एफ एक्स है इस पर अपन एक पॉइंट लेट करते हैं ए कॉमा एफ ओ पे, क्योंकि एक्स अगर ए है तो वाई क्या आ गया एफ ओ पे। यस सर। और अब आपको पता है इस कर्व पे एनी पॉइंट लो कोई भी, उस पॉइंट की जब y इक्वल टू x की अबाउट क्या लोगे इमेज लोगे, तो बेटा ये पॉइंट आपका 100% इस पे लाई करेगा ना, क्योंकि fx और f इनवर्स के जो डायग्राम है y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो चलो ये पॉइंट आ गया f ऑफ a कॉमा a, ये पॉइंट लेट b है आपका, ये पॉइंट लेट क्या ब्रो b, किसको हटा दें इसमें से, तो देखो ये लाइट पॉइंट अगर बी थे, काम करो छोटा सा पॉइंट बी लाइज ऑन दी कर्व y इक्वल टू एफ इनवर्स x, पुट कर देते इसमें क्या पता जरूरत पड़ जाए अपन को, ये जो पॉइंट बी है वो लाइज ऑन दी कर्व y इक्वल टू एफ इनवर्स x, तो क्या करना है इसमें x को तो पुट करना है f ऑफ a और y को पुट करना है a, तो क्या आ गया a इक्वल टू एफ इनवर्स f ऑफ a, हां है ना, ये तो कर गया सेटिस्फाई। हां ठीक है, तो इसको पुट करने से कोई बेनिफिट हुआ नहीं अपन को बेसिकली, तो चलो इसको एक बार अपन ऐसे ही रखते हैं। तो ये रखने के बाद अब अपन एक काम करते हैं, ये पॉइंट आपका बी है, तो एक काम करो ना ओए जो सेगमेंट है आपका, तो अपन ये लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ओए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ बी, OA सेगमेंट का जो स्लोप होगा अगर इसको ज्वाइन करोगे तो OA और OB, तो OA का स्लोप आपका OB से क्या होगा ग्रेटर होगा, बोलो हाँ है ना, तो यूज कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला पार्ट यूज करोगे तो देखो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं। अब इससे देखो अगर आप इससे ट्राई करोगे तो इससे देखो क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो आपको बताता हूँ, जितना समझ में आ रहा उतनी करोगे ना एक बार, तो आप तो इससे करने से देखो क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ OA क्या होगा एफ ए अपोन ग्रेटर देन ए अपोन, तो कोई विशेष बेनिफिट नहीं हुआ इसके अंदर, कोई विशेष नहीं कर पाए अपन कि इसका यूज कैसे करेगा, बोलो आया ना, ठीक है ना, मतलब ये तो सीधा आंसर आ गया एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये अपन के क्वेश्चन में तो क्या एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स है, अगर a को x माने a 0 से कुछ भी हो सकता है ना, तो ये f x है तो ये f इनवर्स x आना चाहिए, मतलब इस रिलेशन से बात नहीं बनी अगर अपन ने इमेज से किया, तो और कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, तो और कुछ भी, तो फिर एक काम करो ये कर सकते हैं अपन शायद बाय चांस अगर अपन ये लेट करें कि पॉइंट a इस पे है तो आप इससे डालो इस पे परपेंडिकुलर कहीं मिलो आप, तो जब ये पॉइंट लेट करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ, इस पॉइंट a का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो आपका ए होगा, इस पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या होगा ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ इनवर्स से, तो इससे तो बात बनी नहीं थी, इसको तो अपन रिमूव कर देते हैं। फिर उसने अपन ने अगला पार्ट क्या देखा कि जब लेट आपने पॉइंट ए से इस पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया फोटो परपेंडिकुलर, तो लेट ये पॉइंट आ गया आपका सी, तो सी क्या होगा ए कॉमा x कोऑर्डिनेट तो उसका a, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा f इनवर्स से। अब इसके बाद देखो क्या करना है इसमें, आप ये oc हो गया ये कहीं भी ले लो आप पॉइंट, उस पे जब फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो ऑलवेज फोटो परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है c वो हमेशा b पॉइंट्स के डाउन ही आने वाला है, क्या आने वाला है बोलो डाउन ही आने वाला है, तो क्या लिख सकते हैं अपन कि स्लोप ऑफ ob इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OC, बोलो यस सर, तो OB का स्लोप क्या होगा, OB का A upon F of A, अरे Y2 minus Y1 upon X2 minus X1, तो A minus 0 upon F of A minus 0, तो ये आ गया A upon F of A, इज ग्रेटर देन OC का स्लोप F inverse A upon A, तो अब थोड़ा मामला सेट हुआ अपना, F inverse A upon A कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि F of A और A आपके पॉजिटिव है क्योंकि दोनों 0 से 1 में है,
क्योंकि एफ एक्स का जो आउटपुट है वो क्या जीरो टू वन में गिवन है आपको, देन ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए इनटू एफ इनवर्स ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो इनवर्स इसको रिवर्स करो तो क्या जाएगा लेस देन जीरो, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है एफ इनवर्स एक्स लेस देन जीरो का मीनिंग दिस पार्ट इज लेस देन जीरो और इक्वल टू क्यों लगाना है, क्योंकि ए अगर जीरो पॉइंट अगर एक्स आपका जो पॉइंट ए आपने लेट किया वो पॉइंट जीरो हो या वन हो तो वैल्यू जीरो अस्थिर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये क्या आएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू क्या होगी ऑलवेज नॉन पॉजिटिव, मतलब अरे नेगेटिव, सही बात है एज नॉन नेगेटिव रॉन्ग है, नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो और पॉजिटिव होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है, ठीक है एग्जैक्ट आंसर फिल करना है कि नॉन पॉजिटिव आंसर लिखना है, तो जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है तो एक अच्छा क्वेश्चन। चलो अपन उसके बाद टेंथ क्वेश्चन हो ही गया इसका, जी एक्स आपका डिग्री देंगे, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, हाँ सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो देखो वन बाय वन, लेट एफ आर टू आर बी डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाइंग ऑफ दिस पार्ट एफ ऑफ जीरो वन है एवरेज जीरो माइनस वन है, तो देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो करते हैं ट्राई, दिक्कत क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया एफ ऑफ मोड एक्स के ऑल मोड की नॉन डिफरेंशियबिलिटी बताओ कितने पॉइंट पे होगी, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन सिग्मा दिस पार्ट टेन इनवर्स एफ एक्स डिराइवेबल फोर आर इक्वल टू आर, तो अपन एक काम करते हैं सिर्फ फंक्शन को फाइंड करने की ट्राई करते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है जब भी आपको कोई भी फंक्शनल प्रॉपर्टी गिवन है तो उसका बेटर ऑप्शन क्या है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट लेट करते हुए क्या करना है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा f डैश x plus y, ये शॉर्टकट मेथड है x का 1 y का 0 और अपॉन में 2 दोनों में 2 आ गया और राइट साइड में आ गया अगेन f डैश x f ऑफ y का 0 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, अब ये आने के बाद एक काम करो आपको f ऑफ 0 1 गिवन है f डैश 0 माइनस 1 गिवन है, तो इसमें एक काम करें पर रिप्लेसमेंट लगा देते हैं x को तो पुट कर दो 0 तो f डैश 0 की वैल्यू माइनस 1 और y को रिप्लेस कर दो 2x से क्योंकि सीधा 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 2x 2x / 2 तो ये तो आ गया बेटा f डैश x और इधर कितना आ गया बोलो माइनस के 1, फंक्शन fx लाने के लिए इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx माइनस x और प्लस किस क्या लगाते हैं कांस्टेंट f ऑफ 0 1 है तो x को 0 लेने पे f ऑफ 0 1 आ गया तो c आपका 1 आ गया ना, तो देन आपका एफ एक्स फंक्शन क्या आ गया माइनस के एक्स प्लस वन, अब तो सिंपल क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ये लाइन की क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन ये वाई इक्वल टू दो एक्स एज इट इज, ये एक लाइन है आपकी, ये पॉइंट है 0 1 0 ये 0 1 है, ये आपका डायग्राम किसका आ गया वाई इक्वल टू एफ एक्स का, ये डायग्राम आने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया f ऑफ mod x का होल मोड, तो f ऑफ mod x के होल मोड के f ऑफ mod x के होल मोड में डायग्राम में क्या कर दोगे, तो जब भी आपको f ऑफ mod x का डायग्राम चाहिए तो क्या करते हैं पहले नेगेटिव पार्ट को नेगलेक्ट करो और पॉजिटिव पार्ट का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन लोगे तो ये तो आ गया आपका f ऑफ mod x का डायग्राम और इसका कंप्लीट मोड लोगे तो नेगेटिव पार्ट दोबारा ये ऊपर चला जाएगा आपका और ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा, तो ये देखो 1 2 3 ये 3 पॉइंट पे क्या है नॉन डिफरेंशियबल है, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन fx = f इनवर्स x, अब देखो बच्चे स्टूडेंट जनरली क्या गलती कर देते हैं कि सर fx = f इनवर्स x के जो सॉल्यूशन है वो fx इक्वल टू x के इक्विवेलेंट होते हैं, ये बात ट्रू है बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा जो फंक्शन है आपका fx वो क्या माइनस x प्लस 1, तो इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या करोगे x की वैल्यू फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ y, तो इसका जो f इनवर्स x है वो भी क्या रहा 1 माइनस x और fx फंक्शन भी क्या आपका बोलो 1 माइनस x, तो जब fx और f इनवर्स x बोथ आर कोइंसाइड है दोनों के डायग्राम सेम है या दोनों फंक्शन सेम है फिर तो fx equal to f inverse x के क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है तो देन इसका सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है उसके बाद जब tan inverse fx तो सिंपल सी बात है
एफ एक्स फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है, तो टेन इनवर्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल, क्योंकि टेन इनवर्स फंक्शन का जो डायग्राम है वो उसकी डोमेन में और भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या करना है आपको, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से टेन एफ ऑफ आर के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से टेन एफ ऑफ आर का स्क्वायर, तो एफ ऑफ आर क्या है, ये हो गया ना वन माइनस एक्स, एफ ऑफ आर क्या आएगा वन माइनस आर का स्क्वायर, ये लो, तो देखो सिंपल, एक बार आर को जीरो पर कर दो तो वन स्क्वायर आ जाएगा, फिर टू स्क्वायर आ जाएगा, और टेन लेने पे नाइन स्क्वायर, तो वन से लेके नाइन के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होगा, एन इन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर देना आंसर जाएगा आपको, ठीक है, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन भी बेटा करेक्ट आने वाला, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एफ ऑफ एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू टेन साइन वर्ड डिस्पार्ट देन एफ डैश दिस एफ ऑफ दिस एफ थीटा का कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, थीटा पाई बाय फोर करो, तो कर लो, दिक्कत क्या है इसमें, कुछ सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या इसको, इसको लिख दो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू टेन साइन इनवर्स, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, काम करो सीधा, अपन तो इस साइन वर्ड दिस पार्ट को थीटा लेट कर देते हैं, इस साइन वर्ड दिस पार्ट को सीधा थीटा लेट कर दो, तो क्या बन गए, साइन थीटा इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस कोस, बाद में कन्वर्ट कर देना साइन कोस में, ठीक है, ये करने से बेनिफिट क्या होगा, ये साइन थीटा है तो अपन की वैल्यू क्या रहेगी, अगर आपने इसको थीटा बनाया तो क्वेश्चन क्या रहेगा, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो साइन थीटा का डायग्राम बनाओ पहले, तो ये अगर थीटा है तो ये रूट टू आ गया, ये रूट थ्री प्लस कोस टू थीटा, तो ये कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आ गया, वन प्लस कोस टू थीटा, और जब भी वन के साथ कोस हो तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या बन जाएगा, ओनली टू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया रूट टू मोड कोस थीटा, बट जो अपना क्वेश्चन है उसके ऑल फोर ऑप्शन में थीटा पाई बाय 4 की बात की है, मतलब अपन ये मान के काम कर लेते कि थीटा अगर जीरो से पाई बाय 2 है तो मोड कोस थीटा को सीधा क्या ले सकते हैं, कोस थीटा, तो आपका फंक्शन क्या जाएगा, टेन थीटा का मीनिंग दिस अपॉन दिस, तो रूट टू से तो रूट टू कैंसिल आउट, तो वन अपॉन मोड कोस थीटा, तो ये आ गया मोड सेक थीटा, मोड अपन को पता है रिमूव कर सकते हैं, तो एफ ऑफ थीटा क्या आ गया बोलो, sec थीटा, अब फटाफट जो भी ऑप्शन है वो कर लेना वेरीफाई, f ऑफ पाई बाय 4 रूट 2 सही है, इसका f डैश इस करो तो क्या आएगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec x * tan x, ठीक है, तो sec x * tan x, तो tan, हां ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आ जाएगा आपका, कर लोगे ना सभी, फिर अगले में क्या करना है आपको, cos थीटा के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो एक काम करो, जब भी आपको किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो बेटर ऑप्शन क्या है, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको तो लेट कर दो y और cos थीटा को लेट कर दो z, तो cos थीटा को z लेट करोगे तो क्या बन गया क्वेश्चन, dy / dz थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो देखो dy / dz, तो dy / dz क्या होगा, dy / d थीटा, तो sec थीटा का sec थीटा tan थीटा / माइनस k sin थीटा, ठीक है, तो ये क्या आ गया sin / cos, तो sin sin चला गया, तो ये आ गया माइनस k sec स्क्वायर थीटा, तो देन sec पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस रूट टू का स्क्वायर 2, तो माइनस 2 आंसर, तो इसका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया बेटा पढ़ो, एक fx फंक्शन गिवन है, f ऑफ 2 1 / 2 गिवन है, gr दिस पार्ट गिवन है, gr का मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, f आपका r टाइम्स है, जैसे g1 का मतलब f1x है, g2 का मीनिंग डबल fx, g3 का मीनिंग ट्रिपल fx, ये मीनिंग इसका, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं इंटीग्रेशन को, तो क्या इंटीग्रेशन है, fx इक्वल टू, देखो ये क्या आ जाएगा x by 2, ये क्या d अपॉन x स्क्वायर से कर दो इसको सेपरेट डिवाइड, तो अपन एक काम करते हैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो dy dx से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो एक तरीके से क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन इनटू dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0
और माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वन बाई एक्स। तो फाइनली ये कितना आ गया बोलो, अरे माइनस के वन बाई एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होगा, सॉरी ये होगा टू अपॉन एक्स क्यूब। क्या होगा, टू अपॉन एक्स क्यूब। बोलो समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूजन लग रहा है इसमें मेरे को। ये आ गया वन का जीरो, तो इसको ऊपर लाओगे तो टू अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना, तो टू से टू चला गया तो क्या आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। और अब आप इसका करोगे इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के वन बाई एक्स प्लस सी। ये करने के बाद एफ ऑफ टू आपका वन बाई टू गिवन है, तो एक्स को टू पुट करने पे ये तो एफ ऑफ टू आ गया वन बाई टू, ये माइनस के वन बाई टू, तो प्लस के वन बाई टू इधर जाके सी बना जाएगा आपका। तो चलो एक काम करो, सी को सीधा वन ले लेते हैं। तो ये आपका एफ एक्स फंक्शन आ गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसको सेपरेट ले देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू आ गया बेटा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब अगर एफ एक्स फंक्शन आ गया तो आपको कुछ नहीं, सिंपल ऑप्शन से आप वन बाई वन वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। देखो ये जो ऑप्शन गिवन है 1, 2, 3 ऑप्शन या GAT, इन सबका मीनिंग क्या है, आपको ये जनरलाइज करना है कि GR में R के अकॉर्डिंग फंक्शन का आउटपुट कैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इसमें ऐसे करना, आपको एफ एक्स गिवन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो आप एक बार करना है एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स, तो एक्स एफ एक्स की वैल्यू दोबारा पुट कर दो। चलो समझाने के लिए एक बार लिख देते, ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स, और आप इसमें जब एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन, तो बेटा देखो एक्स इधर एलसीएम कैंसिल आउट, तो क्या गया एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ गया वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये आ गया डबल एफ एक्स। ट्रिपल एफ एक्स में क्या करो, एक्स को अगेन एफ एक्स से रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस के एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो देन ये होगा वन अपॉन वन माइनस एफ एक्स की वैल्यू, इसमें क्या पुट करोगे, कहां है एफ एक्स की वैल्यू, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो सॉल्व करने पे एक्स न्यूमरेटर में चला गया, फाइनली एक्स आ गया, ट्रिपल एफ एक्स आपका एफ एक्स आ गया। और एक बार लास्ट ले देते हैं एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, तो इसको पुट करोगे एक्स की जगह तो ये आ गया ना, मतलब ये फाइनल हो चुका है एफ ऑफ वन एफ ऑफ फोर, मतलब चार के बाद वैल्यू अगेन रिपीट स्टार्ट हो गई है, इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन आपका स्टार्ट है। तो देखो सिंपल क्या करना है, इससे पता चल गया कि एफ ऑफ वन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फोर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सेवन एक्स, इन सबका तो मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स के इक्वल। अब आप दोबारा बात करोगे तो देखो अगला क्या आने वाला है, डबल एफ एक्स इक्वल आने वाला है, तो अगला क्या होगा, एफ ऑफ टू एक्स एफ ऑफ फाइव एक्स, तो तीन का डिफरेंस है तो एफ ऑफ एट एक्स, ये सारे क्या आने वाले, वन अपॉन वन माइनस के एक्स, और जो थ्री के मल्टीपल है एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ सिक्स एफ ऑफ नाइन ट्रिपल ट्रिपल सिक्स, ठीक है एफ थ्री एक्स लिख देते समझाने के लिए, एफ सिक्स F9, ये सारे क्या है आपके X है, बस इसके अकॉर्डिंग देख लो क्या चाहता है ऑप्शंस में। चलो बात करते हैं, ठीक है देख कर सकते हो आप, ये नहीं तो ये लिखने के बाद इसको हटा दे सर से, देखो ये तो है आपका G3N-2, ये दिख नहीं रहा थोड़ा क्लियरली, ये G3N है ये G3R है, तो देखो ये तो सारे सेम है, G3N का मीनिंग क्या है मल्टीपल ऑफ 3 और G3R का मीनिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो इन सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में तो आपको इस फंक्शन को x लेट करना है, तो सिंपल हो गया, तो x लेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, वन आ गया ना, व्हेन एवर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हां सही है, एक ऑप्शन तो जाएगा इसका सेकंड g3n-2, देखो इसको चेक करने का बेटर ऑप्शन क्या है, g3n-2 का मीनिंग क्या है, 3 के मल्टीपल में से 2 कम करो, तो 3 के मल्टीपल में से 2 कम करने का मीनिंग क्या होगा, जैसे n को 1 लिया तो 1 आ गया, 2 लेने पे 4 आ गया, ये फर्स्ट वाला आ गया, तो इसके केस में जो फंक्शन है वो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा x माइनस वन अपॉन x, तो अब आपको बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या ऑलवेज वन होगा, क्या ना ये क्या वन अपॉन वन माइनस x है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे,
क्योंकि इसका डेफिनेशन आने वाला है 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका गलत होगा, रॉन्ग होगा। फिर अपन बात करते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, g(at)x की x = 1/2 पे स्लोप बताओ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ ऑफ y = g(at)x एट x = 1/2। atx का मीन क्या, देखो कि at किसके अंदर आने वाला, थोड़ा बता पाओगे आप? ये तो सारे 3 के मल्टीपल है, इसमें नहीं आ सकता। 258147, तो सिंपल बेटर ऑप्शन तो ये कि आप इनकी nth टर्म लिख के देख लो, जैसे लेट मैंने बात की इसकी, इसकी tn टर्म क्या होगी, 1 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस इज 3। इसको 80 पुट करके देख लो कि इससे n कुछ आता है क्या, तो 80 कब आ सकता है, देखो ये आ गया 3n माइनस 2 इक्वल टू 80, हाँ 82 ना, इससे आ ही नहीं सकता क्योंकि 82 में डिवाइड ही नहीं होगा इससे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो 2 इसकी, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो क्या आ गया 3n माइनस 1, हाँ इसको 80 लोगे तो हाँ अब n आ गया 27, मतलब ये जो g80 है वो आपका इससे कोरिलेटेड है। तो gx, तो g80x आपका 1 अपॉन 1 माइनस x है, इसका जब फंक्शन आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x को 1/2 पुट कर देना, तो आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट आने वाला है। सिमिलरली इसमें क्या करना है, ये आपका फंक्शन 3 का मल्टीपल है तो x आ गया ना, तो ये अगर x आ गया तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको हटा देते हैं सबको, तो ये फंक्शन अगर x है तो क्वेश्चन रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 सिग्मा x की पावर r प्लस x माइनस 1 0 1 अपॉन x माइनस 1। इस लिमिट की वैल्यू चाहिए, एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 ये सिग्मा और है ना, तो 1 से लेके 100 का सम, तो x प्लस x स्क्वायर x 100, तो क्या है ये 100 टर्म की जीपी है, तो इस जीपी को सॉल्व करना, तो क्या जाएगा x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 101 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, और इसमें दो बार आपको डीएल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसे चेक कर पाओगे कि इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है ना, तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, तो ठीक क्वेश्चन है। चलो फिर उसके बाद अपन थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसीडर द फंक्शन f r2a गिवन बाय fx इक्वल टू x प्लस स्टेप x, वेयर स्टेप इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑब्लिक r करेक्ट, x and a is the range, a is function की क्या range है, x क्या है इसकी domain, x to less than equal to x बोला गया, ठीक है ना, तो चलो आओ options बोला गया, f inverse x exist and is given by this part, f inverse x exist and this part, मतलब आपको first of all तो f inverse x को find out करना है। third और fourth में बोला गया कि fx is continuous function और f inverse x is continuous function, मतलब fx और f inverse x की continuity भी आपको चेक करनी है। देखो सिंपल सी बात है, step x आपका each integer पे क्या होगा, discontinuous, और plus x है तो discontinuous function में जब आप कोई constant part add करोगे, मतलब continuous और discontinuous function का summation तो always कैसा होता है, discontinuous, तो third option तो इसका आंसर था डाउ, ये तो गलत हो गया। अब आपको inverse function देखना है, फिर इस inverse function की continuity आपको चेक करनी है, तो देखो बेसिकली बच्चों को लग रहा होगा इसमें कि fx फंक्शन का जो डायग्राम है वो सिमेट्रिक अबाउट द क्या होगा, y equal to x axis, तो जब fx आपका डिसकंटीन्यूअस है तो f इनवर्स x भी ऑलवेज क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस, तो ऐसा इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है उसके से फंक्शन कंटीन्यूअस बन जाए, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन गिवन कैसा है, ठीक है, तो बच्चे जल्दीबाजी में इसको भी गलत मान लेते कि ये भी रॉन्ग होगा आंसर, ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले अपन fx को फाइंड आउट करने की बात करते हैं, सॉरी f इनवर्स x को, तो देखो केसेस अराइज करके करो आप इसमें, x अगर 0 से 1 है तो फंक्शन क्या आ गया y इक्वल टू x, क्योंकि स्टेप x 0 होगा तो इसका इनवर्स तो यही जाएगा, तो देन इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो देखो 0 से 1 में y इक्वल टू x आ रहा है तो इसके केस में भी y का आउटपुट क्या होगा, 0 टू 1 होगा ना, 0 पे 0 1 पे 1, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, इसके रिगार्डिंग इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा अगेन x ही, ये डोमेन बन जाएगी वो उसकी रेंज बन जाएगी, ध्यान रखना। अगला केस लेते हैं कि x अगर 1 से 2 है तो क्या होगा, 1 से 2 का स्टेप 1 होगा तो y तो आ गया x + 1, इसके इनवर्स के लिए x आ जाएगा y - 1, तो देन इसका
इनवर्स फंक्शन क्या होगा, x माइनस वन यूज करना बाद में, और इस फंक्शन एफ एक्स का आउटपुट क्या होगा, वन पे तो आ गया टू और टू पुट करने पर जाएगा फोर। हाँ है ना। ये आने के बाद एक दो केस बोले देते हैं, x belongs to 2 से 3, तो y तो आ गया बेटा x plus 2, क्योंकि 2 से 3 का स्टेप 2 होगा, और देन इसके रिगार्डिंग इसका f inverse x आ जाएगा x minus 2। बोलो यस सर। और इसकी जो रेंज क्या होगी y की वो लिख लेते हैं समझने के लिए, बस दो तीन केस लिखने पड़ेंगे अपने को। 2 लेने पे तो आ गया 4 और 3 लेने पे क्या जाएगा 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद एक केस और ले लेते हैं समझाने के लिए, और एक दो पार्ट अपन नेगेटिव लेके और देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव का भी यूज करना अपन, ठीक है। एक पार्ट नेगेटिव और ले लेते हैं। जब x belongs to आपका माइनस वन से जीरो होगा, तो माइनस वन से जीरो का स्टेप क्या होगा, माइनस वन, तो y तो आ गया x माइनस वन, और इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, x प्लस वन, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस वन। तो एक बार इसका आउटपुट और देखना, इसका आउटपुट क्या आएगा, y belongs to माइनस वन पुट करने पे तो आ गया माइनस के टू, और जीरो पुट करने पे आ जाएगा माइनस के। अगला भी लिख सकते हैं अपन, और जल्द पड़ेगी तो लिख लेंगे। एक बार आप करते हैं इसका अपन डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। मतलब सबसे पहले तो देखना है कि जो f इनवर्स x है वो कैसा होगा। तो देखो ब्लैकबोर्ड पे इसको थोड़ा, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन से देख सकते हो, तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे लेट ये बात की आपने, इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि f इनवर्स 0 टू 1 में ये 0 टू 1 ही होगा। या फिर एक काम करते हैं अपन इसका एक बार, क्योंकि मेरे को इसका डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए। तो चलो अपन एक काम करते हैं, f इनवर्स x के डायग्राम, f इनवर्स x को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं पहले। देखो f इनवर्स x फंक्शन कैसा होगा इसका, f इनवर्स x में क्या होगा, डोमेन तो रेंज होगी और रेंज आपकी डोमेन बन जाएगी। तो देखो जैसे सबसे पहले ये इंटरवल लो आपको, तो ये f इनवर्स x की डोमेन है। तो x जब आपका 0 से 1, मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो x जब आपका 0 से 1 है तो फंक्शन क्या है, x है ना, और इसका आउटपुट भी क्या है, 0 से 1, ये साथ ही साथ लिख देते हैं, तो उल्टा हो जाएगा आंसर। सेकंड केस क्या होगा, जब x आपका, x कमिंग दिस पार्ट, x जब 2 से 4 है आपका, मतलब इसमें 1 से 2 की तो बात ही नहीं होगी डोमेन में, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन चेंज हो चुकी है सीधा ना, इनवर्स फंक्शन की डोमेन अलग है और कोडोमेन अलग है। फंक्शन f(x) की डोमेन में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन इनवर्स की डोमेन आपकी चेंज हो चुकी है, 0 से 1 से 2 में तो डोमेन डिफाइन ही नहीं है इसकी, क्योंकि 0 से 1 का जो आउटपुट है वो 0 से 1 है, 1 से 2 का आउटपुट आपका 2 से 4 है, तो इनवर्स फंक्शन में जो 2 से 4 है वो उसका इनपुट की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है ना। चले तो 2 से 4 में फंक्शन क्या आ गया, f इनवर्स x, x माइनस 1, और अगला क्या होगा बोलो, सेकंड में आ गया, अगले में थर्ड में f इनवर्स x का इनपुट होगा 4 टू 5। तो जब ये 4 टू 5 लोगे आप, तो देन फंक्शन है आपका x माइनस 2। बोलो हाँ है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, ये 1 का मीनिंग क्या है, 0 से 2 का स्टेप लोगे आप तो उसका हाफ हो गया ना। अरे यार इस 1 को मैं लिख सकता हूं स्टेप x बाई 2, और इस 2 को लिख सकता हूं स्टेप x बाई 2, क्योंकि और इसमें भी स्टेप x बाई 2, क्योंकि 0 से 1 का स्टेप 0, तो 0 अपॉन 2 0, तो x आ गया। 2 से 4 का स्टेप 2 होगा, तो 2 अपॉन 2 1 आ गया। 4 से 5 का स्टेप 4 होगा, तो 4 अपॉन 2। तो इसके रिगार्डिंग जो इसका f इनवर्स x है वो तो क्या होगा, x माइनस स्टेप x बाई 2। ये तो आप इजीली चेक कर सकते हो। और एक काम करते हैं समझाने के लिए, मैं उधर वाला पोर्शन ले देता हूं कि y का मतलब इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन माइनस 2 से माइनस 1 होगी, तो देन उस केस में फंक्शन क्या होगा, x प्लस। तो ध्यान रखे f इनवर्स x की डोमेन डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, रेंज तो जो भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। f(x) की डोमेन तो इस क्वेश्चन में क्या है, r है,
लेकिन एफ इनवर्स एक्स की डोमेन आर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है देखो ना, एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स की जो डोमेन रेंज है वो ए है, तो ए ए की जो भी वैल्यू है ना, लिखा ना ए इज द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स, तो ए की जो रेंज है जो भी कुछ होगी वही तो एफ इनवर्स एक्स का क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स एक्स का इनपुट चेंज हो चुका है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अब जब ये एफ इनवर्स एक्स पता ही चल गया मेरे को, तो एक काम करें इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम से ये आइडिया लग पाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया डिस्कंटीन्यूअस, ठीक है। फटाफट टिक मत कर देना कि फोर्थ ऑप्शन भी इसका रॉन्ग होगा, तो उसको हटा दें इसमें से। चलो तो देखो, जब आप इसके डायग्राम की बात करोगे तो क्या करना है, इनपुट पहले 0 टू 1 की बात कर देते हैं, फिर अगला इनपुट है 2 से 4 जितना है उसी की बात करोगे आप। तो देखो 0 टू 1 में डायग्राम तो क्या होगा, 0 से 1 की लाइन, 0 को लेना है 1 को नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं x 2 से 4 है तो डायग्राम क्या होगा। देखो x को जब 2 लोगे, ये तो हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, x को 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1 आ गया, इस बार 1 को लेना है क्योंकि 1 आपका इंक्लूडेड है। और 4 पे क्या होगा, 4 माइनस 1 इज 3, समझ मेरी बात को। तो सिंपल सी बात ये है, जब आपको पता है कि एफ एक्स की डोमेन तो क्या थी, आर थी, तो फिर तो वो फंक्शन क्या था, ईच इंटीजर पे आपका ब्रेक होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। बट एफ इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो तो ऑटोमेटिकली ऐसी है कि उस डोमेन के अंदर तो फंक्शन ऑलवेज कैसा है, बोलो, कंटीन्यूअस है, क्योंकि डोमेन जैसे 0 से 1 है, तो 0 से 1 में जैसे आप 1 पे चेक करोगे तो देखो सर एफ ऑफ 1 माइनस, एफ ऑफ 1 माइनस किस में पुट करोगे तो 1 आ गया। एफ ऑफ 1 की बात करोगे या एफ ऑफ 1 प्लस की बात, क्योंकि इसमें भी तो आप इंटीजर पे जस्टिफाई करोगे ना, तो एफ ऑफ 1 कहां होगा, एफ ऑफ 1 तो आपको लेना नहीं है क्योंकि एफ ऑफ 1 तो डोमेन के अंदर है नहीं क्वेश्चन में, तो ये तो हट ही गया, और एफ ऑफ 1 प्लस ये भी नहीं है, तो बताओ अपन को इसको इंटीजर पे चेक नहीं करना है। जनरली स्टेप फंक्शन आपका इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होगा, बट जब आपने क्या किया, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट किया, तो इस इनवर्स फंक्शन में जैसे ये 2 पे इक्वल टू आ रहा है, तो 2 पे ओनली 2 पे वैल्यू चेक करोगे 2 प्लस पे, तो 2 पे भी 2 आ गया, 2 प्लस पे भी, सॉरी 2 पे भी 1 आ गया, और 2 प्लस पे 1 की तरफ टेंड करने वाला है, मतलब ये फंक्शन आपका गिवन डोमेन में ऑल पॉइंट्स पे क्या होगा, बताओ, कंटीन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मत नहीं कि सर एफ एक्स आपका डिसकंटीन्यूअस है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी क्या होगा, ये गलत लाइन है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज शो इन द फिगर, वन मोर फंक्शन y इक्वल टू जी एक्स इज गिवन। ये y इक्वल टू एफ एक्स का डायग्राम है और जी एक्स फंक्शन आपको डिफाइन है, तो आपको रेंज ऑफ जी एक्स, एक्स टेंस टू 0 माइनस पे जी एक्स की स्टेप की वैल्यू बतानी है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस की वैल्यू। तो इसमें ये की काम करो, अपन फटाफट जी एक्स के फंक्शन को ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि जी एक्स का डायग्राम आ गया तो सारे ऑप्शन अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो जी एक्स के डायग्राम को अपन को इसको ध्यान में रखते हुए बनाना, तो मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो देखो जी एक्स का डायग्राम कैसा होगा, इधर से बात करते हैं, एक्स नेगेटिव है, एक्स अगर आपका नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स माइनस टू लेना है, तो एक्स जब नेगेटिव है तो एफ एक्स फंक्शन यही है ना, तो एफ एक्स माइनस टू क्या होगा, ये फंक्शन माइनस टू से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, हाँ या ना। अरे ये तो हुआ ना, एफ एक्स फंक्शन में माइनस टू कम करोगे आप तो ये 2 तो पहुंच जाएगा 0 पे और माइनस टू पहुंच जाएगा माइनस के 4 पे। तो देखो बात को सुनना केयरफुली, 0 पे वैल्यू आ रही है 2, 0 को नहीं लेना है तो 2 को भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, मतलब 0 पे ब्लैंक बोल है अभी, तो ये डायग्राम आपका नीचे चला गया ऐसे, ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया ना, और ये जो लाइन है आपकी, ये पॉइंट आपका माइनस के 4 है,
बोलो आएगा, ये माइनस की 3/2 है, तो चलो ये माइनस के 3/2 पे 0 आ रहा है ना, तो अब ये माइनस के 3/2 पे क्या दे रहा होगा, माइनस की 2। अरे सही है ना, ये पॉइंट आपका माइनस 2 देगा, माइनस 3/2 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू माइनस की 2। देखते हैं इसका कोई यूज होगा बाद। उसके बाद बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब जीरो पे वैल्यू जीरो है, तो मतलब इसको लेना है मेरे को, जीरो पे जीरो है तो एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया, मतलब जीरो पे ये जीरो हो गया, एक तरीके से ले लेना। उसके बाद x को जब 0 से 3/2 लेना है, तो 0 से 3/2 की रिगार्डिंग इसका डायग्राम ये है, केयरफुली देखना, तो 0 से 3/2 में fx का डायग्राम ये है, फिर क्या करना है आपको, gx का डायग्राम क्या है, माइनस के 1 अपॉन fx माइनस के हाफ, तो एक काम करो gx का डायग्राम आपका दिस पार्ट है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक काम करते हैं पहले अपन 1 अपॉन एफ एक्स का, या फिर माइनस से पहले कर दो, क्या फर्क पड़ना है, तो देखो ऐसे समझो आप, 0 से 3/2 में एफ एक्स का जो आउटपुट है वो क्या, माइनस 2 से 0 है, 0 को लेना है, सॉरी 0 को नहीं लेना है क्योंकि 3/2 का ओपन ब्रैकेट है, और 0 पे 0 को भी नहीं लेना है, तो 0 पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो माइनस 2 है ना आपका। अरे मेरी बात समझे, ओपन 0 से 3/2 में जो फंक्शन है वो क्या है, माइनस 2 से 0 है, और माइनस 2 से 0 में माइनस 2 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ये आपका fx का, ये fx फंक्शन का आउटपुट है। इसको जब इसका रेसिप्रोकल करोगे आप, तो बताओ माइनस 2 से 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 से जस्ट लेस है ये, तो 0 से जस्ट लेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन fx, तो इसका 1 अपॉन क्या बन जाएगा, माइनस के इनफिनिटी से माइनस के हाफ, और अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, 1/2 से इनफिनिटी, और 1/2 से इनफिनिटी में हाफ कम करोगे, तो 1/2 में से हाफ कम किया तो 0 आ गया, और इनफिनिटी से कुछ भी कम करोगे तो इनफिनिटी रहेगा, मतलब इसका जो आउटपुट है वो क्या है, 0 टू इनफिनिटी है, क्या 0 टू इनफाइनाइट। तो सिंपल सी बात यह है, ये इनफाइनाइट कब देगा आपका, इनफाइनाइट देगा 3/2 की रिगार्डिंग, क्योंकि एफ 3/2 की रिगार्डिंग एफ एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने वाला, समझे मेरी बात, क्योंकि सब कुछ 0 के रिगार्डिंग ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 के रिगार्डिंग ये क्या था, 0 से जस्ट ग्रेटर पे वैल्यू क्या, माइनस 2, तो माइनस हाफ, तो 0 के रिगार्डिंग तो वैल्यू 0 है इसकी, और 3/2 के रिगार्डिंग इसकी जो वैल्यू कहां टेंड करेगी, प्लस इनफिनिटी की तरफ, मतलब इसका रफली डायग्राम ऐसे जाएगा, बोलो आया ना, ऐसे बनाना डायग्राम मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर अगला केस बचा 3/2 से ग्रेटर, 3/2 से ग्रेटर की जब आप बात करोगे तो डायग्राम कौन सा लेना है, बस अपन को तो 2 तो जाना, ज्यादा करना भी नहीं इसमें, 3/2 से 2 में ये डायग्राम तो है आपका एफ एक्स का, तो माइनस एफ एक्स में क्या होगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, मतलब 2 पे वैल्यू माइनस 2 पे वैल्यू अगर 2 है नेगेटिव लोगे तो 2 पे वैल्यू माइनस की 2 बन जाएगी, मतलब ये डायग्राम नीचे की तरफ टिल्ड करना अपन को, ये 2 पे 2 जा रहा था, एक काम करो उसको छोटा सा, ये 2 है ना, तो इसको यहीं तक लेना डायग्राम को ऐसे, ये आपका fx का डायग्राम है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको 1/1 ऑप्शंस को जस्टिफाई करना था, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बोलता हूं आप, चलो अपन करते हैं 1/1 ऑप्शन वेरीफाई। तो क्या है, रेंज ऑफ gx इज -4 इनफिनिटी, यस सर, -4 मिनिमम वैल्यू और ऊपर जा रहा इनफिनिटी की तरफ, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, x टेंड्स टू 0 gx का स्टेप, तो देखो 0 पे वैल्यू 0 है, 0 माइनस पे वैल्यू 0 से जस्ट लेस है, तो 0 से जस्ट लेस का स्टेप क्या होगा, -1, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, gx इज कंटीन्यूअस एट x = 0, यस सर, 0 पे आपका कंटीन्यूअस है फंक्शन, gx is discontinuous at x equal to plus minus 3, गलत, ये only 3/2 पे आपका discontinuous है, और minus 3/2 पे तो क्या function continuous है, तो इसका fourth option तो wrong होगा, तो only 1, 2, 3 option इसके correct है, ठीक है, देख अच्छा question है, चलो, after that बात करते हैं next question की, question number 6 क्या है, hn और gn are harmonic and geometric progression, आपको hn और gn आपको
हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेज गिवन है रेस्पेक्टिवली. एच ओ वन जी ओ वन आपका 1/2 है, एच ओ टेन जी ओ टेन आपका 1/1024 है, तो बताओ एच 50 जी 50 में कौन ग्रेटर, एच 8 जी 8 में कौन ग्रेटर. 1 से 10 में मतलब स्टार्टिंग की 10 टर्म का समेशन हार्मोनिक सीक्वेंस का और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के समय कौन बड़ा होगा, और 11 से 50 और 11 से 50 में अगेन हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक जो टर्म्स हैं उनके समय कौन ग्रेटर होगा. तो ये एक बात आप सबको पता होगी कि अपन एच पी की टर्म का समेशन तो कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते ना, कोई फॉर्मूला नहीं होगा उसके लिए, तो उसका भी कुछ थोड़ा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में. तो देखो ब्लैकबोर्ड पे अपन ने जीपी की बात करते हैं कि जीपी की फर्स्ट टर्म लेट 1/2 है और 10 टर्म उसकी 1/1024 है. तो ऐसे लिख लो सीधा जीवन इसका 1/2 है, मतलब फर्स्ट टर्म उसकी ए है. जी टेन आपको गिवन है 1/2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 जानना. और जी टेन का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, तो ए आर की पावर 9 इक्वल टू 1/2 की पावर 10. तो ए को आप 2 लोगे, ए आपको 1/2 गिवन है फर्स्ट टर्म, तो आर आ जाएगा 1/2. अरे यार 1/2 लोगे तो 1 2 कम तो 9 आ गया, और r की पावर 9 क्या है 1/2 की पावर 9, तो 9 से 9 चला गया तो r क्या आ गया 1/2 आ गया. लो r 1/2 है, फर्स्ट टर्म 1/2 है. तो देखो इसकी जो g50 टर्म्स है, इसकी g50 टर्म्स को क्या आने वाली है, a r की पावर 49, a r की पावर 49, तो ये तो जाएगा 1/2 की पावर 50, क्या जाएगा 2 की पावर 50. उसके बाद देखो क्या करना है, अब अपन बात करते थोड़ी एचपी की. एचपी की फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो अपन और एच 10 आपको गिवन है, मतलब 10th टर्म गिवन है. तो एक काम करो सिंपल, एच 1 आपका 1/2 है, एच 10 आपका 1/1024 है, तो इससे क्या कंफ्यूजन निकाला जा सकता है. तो एच 10 का फॉर्मूला क्या होगा 1/, अरे एपी की फॉर्मूले से एपी की 10 टर्म क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो एपी की 10 टर्म जो लिखोगे वो क्या होगी भाई, एपी की इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और एपी का कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो एपी की जो 10th टर्म क्या होगी ए प्लस 9d, तो ए तो कितना है 2 प्लस 9d, हाँ है ना, ये आपका आ गया एच 10. मेरी बात सुनो, एचपी की फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो एपी की फर्स्ट टर्म 2 लेट करो, कॉमन डिफरेंस डी लेट करो, तो एपी की 10th टर्म क्या होगी 2 प्लस 9d, तो एचपी की 10th टर्म 1/2 प्लस 9d, ये आपको गिवन है 1/1024, क्या 1024. तो देन आप बात करोगे तो इससे अपन डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे डी कितना जाएगा बताओ, 1022/, ये इसका डी आ गया. अब ये आने के बाद अब आपको थोड़ा सोचना है इस क्वेश्चन में बेसिकली होने क्या वाला है, ठीक है, तो कैसे करोगे, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को. क्योंकि तो सिंपल सी बात इसमें ये है कि अपन सारी टर्म निकाल के उनको ऐड तो कर नहीं सकते, हाँ जीपी में तो फिर भी कर सकते हो, एपी में एचपी में थोड़ी ना ऐड कर पाओगे. तो आपको थोड़ा ऑप्शंस को और ये जो वैल्यूज गिवन है H1 G1 और H10 G10 इन पे थोड़ा फोकस करना है. अब इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन से समझना है अपन को. देखो इसमें इस जीपी का जो कॉमन रेशियो 1/2 है, इसका मतलब ये जीपी तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी आपकी, क्या करेगी जीपी डिक्रीज, G1 greater than G2 greater than, ऐसे इसमें ये तो चल रहा आपका. बट और आपको पता है कि G10 और H10 आपके इक्वल है, इसका मतलब कुछ तो कुछ वेरिएशन होगा इसमें, और H1 भी आपका इक्वल है, ठीक है. अब इसमें थोड़ा आप करने की ट्राई करोगे तो जब आप इसमें H2 की बात करोगे तो इसकी H2 टर्म क्या होगी 1/A प्लस डी, ए तो आपका 2 है, डी कितना है 1
तो आपको सोचो ना यार, ए टू तो आपका है मतलब जी टू, जी टू का मतलब जीपी की सेट, सेकंड टर्म इज ए आर, ए आपका 1/2, आर 1/2 से आ गया 1/4, और देखो ढंग से ये वैल्यू तो आपकी फोर से काफी लार्ज है, तो ये फोर से लार्ज है तो एच टू की वैल्यू लेस होगी इससे, मतलब इसमें बेसिकली क्या होगा, आप कुछ भी करके देख लेना सारा कुछ समझ में जाएगा आपको, ये ऐसे वेरिएशन होता जाएगा इसमें, और एच टेन पे आके दोनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल। आफ्टर दैट क्या आने वाला, अब करके ही देखना पड़ेगा आपको, जी टेन तक तो ऐसे इक्वल आ गया, मतलब ये पता चल गया, सॉरी ये निकल ना गलत लिख दिया, जी टेन एच टेन इक्वल, ये पता चल गया कि 1 से 10 के बिटवीन एच टू आपका जी टू आपका एच टू से ग्रेटर है, जी थ्री आपका एच थ्री से ग्रेटर आने वाला है, और जी टेन पे आके इक्वल आ गया। जब आप इसका जी इलेवन लगोगे तो जी इलेवन तो कहेगा 1/2 की पावर 10, जी टेन आपका 1/2 की पावर 10 है, तो जी इलेवन लिख देना आप क्या रहे, ठीक है, तो जी इलेवन क्या होगा, ए आर की पावर 10, तो 1/2 की पावर 11 आ जाएगा। और जब आप एच इलेवन की बात करोगे तो इस बार एच इलेवन की जो वैल्यू है वो जी इलेवन से ग्रेटर होगी, कैसे देखो ना, 1/a+10d, तो 10d तो उसको 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना जाएगा, ठीक है, तो आप खुद सोचो टू की पावर 11, तो इसको सिंपलीफाई करने पे आप अप्रोक्सीमेशन देखो उसको क्या आने वाला है, ये क्या है, जैसे लेट अगर इसको 10 भी माने अपन तो 1022 तो 1024 ही आ रहा है ना, बात को सुनना केयरफुली, मैं इसको 10 मानता हूं तो 1024 आ रहा है, 9 मानने से थोड़ा बड़ा जाएगा, तो ये तो आपका 1024 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन 2 की पावर 11 आपका काफी ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब इस बार एच 11 जी 11 से ग्रेटर होगा, मतलब इस बार रिवर्स हो जाएगा मामला, एच 11 आपका ग्रेटर आ गया, समझे, और जब ये आ गया तो कुछ नहीं, इसका सीधा सीधा मीनिंग हो गया कि जब आई 0 से 10 है तो जी आई आपका एच आई से ग्रेटर होगा, क्या लिखना है कि आई आपका जब 1 से 10 के बिटवीन है तो जी आई आपका एच आई से ग्रेटर है, और आई आपका 10 से ग्रेटर है तो देन जी आई लेस देन आपका एच आई हो जाएगा, और जब ये आ गया तो अब देखो क्या करना है क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन करनी है आपको, करके देखना सही, तो देखो अपन ऑप्शन से बात करते हैं, तो एच 50 ग्रेटर G50, यस सर, क्योंकि आई जब 10 से ग्रेटर है तो एच आई आपका जी आई से ग्रेटर होगा, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों का ऑब्जर्वेशन क्या, ये लिखना इसलिए मस्त था क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप हार्मोनिक प्रोजेक्शन की टर्म का सम तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, तो उसके लिए देखो कैसे सोचना, आपको आप खुद सोचो, आई जब 1 से 10 के बिटवीन है तो जी आई ग्रेटर देन एच आई है, तो एक बात बताओ, 1 के रेस्पेक्ट में भी G1 आपके H1 से ग्रेटर है, G2 भी H2 से ग्रेटर है, तो इन सबको ऐड करोगे तो बताओ 1 से 10 में जी आई की ऑल टर्म का सम एच आई की ऑल टर्म से क्या होगा, ग्रेटर होगा ना, तो ये तो हो गया गलत, और ये सही हो गया, क्योंकि 11 से 50 में एच आई आपका जी आई से ग्रेटर है, तो उनकी टर्म का सम कॉरस्पॉन्डिंग जी आई की टर्म से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, देन इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन इसमें अपन को देखना था, ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, α1 α2 α3 α4 α5 आर इन AP, 4α5 = 5α4 आपको गिवन है, I = 1 से 5 α i, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो देखो कुछ नहीं करना, एंगल आपकी AP में है तो इसको एलेट कर दो, इसको a+d एलेट कर दो, देखो इस रिलेशन पुट करो, 4 अल्फा 5 क्या होगा a+4d, और ये आ गया 5a+3d, तो कितना आ रहा देखना, 4a+16d = 5a+15d, यस सर, तो सिंपल आ गया, इससे a = d आ गया बेटा, चलो कुछ तो बेनिफिट होगा, a
इक्वल टू डी आ गया इसका मीनिंग जो आपकी एपी हुई एक तरीके से क्या होगी ए टू ए थ्री ए फोर ए एंड ये आपके फाइव टर्म्स है एपी की और ये जो एपी की टर्म्स है उनका सम किसके इक्विवेलेंट है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पेंटागन तो एक एन साइड के पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम क्या होगा एन माइनस टू पाई तो एन को फाइव लोगे तो क्या जाएगा फाइव जो पेंटागन है उनके एंगल का सम क्या होगा इंटरनल का थ्री पाई तो अल्फा वन से लेके अल्फा फाइव का सम आपका थ्री पाई है मतलब इन सबका सम जब थ्री पाई करोगे तो क्या गया नौ बारह पंद्रह फिफ्टीन ए इक्वल टू थ्री पाई तो देन ए आ जाएगा पाई बाई फाइव मतलब इससे ए का मीनिंग अल्फा अल्फा वन आ गया पाई बाई फाइव अल्फा वन पाई बाई फाइव आ गया अल्फा टू टू पाई बाई फाइव होगा अल्फा थ्री थ्री अपॉन थ्री पाई बाई फाइव होगा अपटू सुमा अभी आने के बाद तो मेरे अकॉर्डिंग शायद आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकेंड क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना ये जो एंगल है जैसे फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन को एक साथ ही कर सकते हैं कि क्या है कोस अल्फा वन प्लस कोस अल्फा टू प्लस कोस अल्फा ये हो गया ना ये क्या है एंगल इसके एपी में है तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में तो आपको कोसाइन और साइन सीरीज को यूज करना है कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज का फॉर्मूला सबको याद होगा कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू और कोस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन ऑफ बीटा बाई टू अल्फा का मीनिंग फर्स्ट एंगल इज ए और बीटा का मीनिंग कॉमन डिफरेंस तो टू ए और ए का डिफरेंस इज ए मतलब अल्फा भी ए है और आपका बीटा भी ए है और ए का मीनिंग कितना पाई बाई फाइव तो बस सबको पाई बाई फाइव पुट कर देना तो इससे जो भी आंसर होगा वो मैच करके देखना ठीक है तो फर्स्ट और सेकेंड में तो साइन और कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला यूज करना है साइन की सीरीज में क्या करना है इस कोस की जगह साइन आ जाएगा बाकी सारा कुछ सेम होगा और ये तो और भी सिंपल हो गया जब मल्टीप्लाई की बात करो देखो ये तो सिंपल है मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा देखो साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू साइन अल्फा फाइव साइन अल्फा फाइव जब आप लिखोगे साइन अल्फा फाइव की वैल्यू क्या है फाइव ए अरे अल्फा फाइव फाइव ए है ना तो साइन फाइव ए और ए कितना है अरे ए को पाई बाई फाइव पुट करने पे पाई आ गया तो अल्फा फाइव अगर पाई है तो साइन पाई की वैल्यू जीरो बन जाएगा तो ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा आपका और अगले में क्या करना है जब आप पाई बाई फाइव पुट करोगे ए वन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सबको तो ये आपकी कोसाइन सीरीज है प्रोडक्ट के अंदर और ये जो कोसाइन सीरीज है आपकी प्रोडक्ट के अंदर इसमें क्या है ईच एंगल आपका डबल है पाई बाई फाइव टू पाई बाई फाइव थ्री पाई बाई फाइव को अपन अलग कर देते हैं कॉस फाइव पाई बाई फाइव तो फाइव से फाइव कैंसिल कॉस पाई की वैल्यू माइनस में हटा उसको और कॉस आ गया थ्री पाई फाइव तो देखो इसमें तो क्या करना ये आपने पढ़ा होगा थीटा का डबल टू और टू का डबल फोर है तो सीधा शॉर्टकट क्या कर सकते हैं अपॉन में लीस्ट एंगल के साइन से डिवाइड कर दो जितनी बार कॉस है उस टू की पावर से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमेरेटर में क्या आएगा इस साइन को इस कॉस के डबल एंगल का साइन आने वाला है तो क्या बन जाएगा साइन एट पाई बाई फाइव आया ना और ये कॉस थ्री पाई बाई फाइव तो आपको लिखना ही ये लिखने के बाद क्या बन गया साइन टू पाई माइनस थ्री पाई फाइव तो साइन थ्री पाई सॉरी साइन टू पाई माइनस टू पाई बाई फाइव तो साइन टू पाई फाइव बन जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस तो ये तो आ गया पूरा साइन टू पाई बाई फाइव और साइन टू पाई फाइव में क्या करना टू साइन ए टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो साइन से साइन कैंसिल तो क्या रह जाएगा ये टू कॉस थ्री पाई बाई फाइव कॉस पाई बाई फाइव अपॉन साइन पाई बाई फाइव तो इसमें टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देन वी विल गेट दी ऑप्शन ठीक है ना तो इस मतलब सिंपल है इसके बाद तो आपको कोसाइन और साइन सीरीज को सॉल्व करना है तो सिंपल क्वेश्चन था उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या है आपको ए एन गिवन है ए एन इज मैक्सिमम मतलब इस ए एन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम है तो बताओ एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखो इसमें कुछ नहीं करना आप ऑप्शन से कर लो ज्यादा बेटर है जैसे ए
डबल नाइन एट की बात करोगे आप तो ए डबल नाइन एट क्या होगा 1000 उसके बाद ए ट्रिपल नाइन क्या होगा 1000 की पावर ट्रिपल नाइन अपॉन ट्रिपल नाइन का फैक्टोरियल ठीक है। तो देखो तो ये आ गया ना, अब देखो इसको तो सिंपलीफाई क्या करना है, इसमें बेटर ऑप्शन तो क्या है, इसको आप 1000 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जितना सिंपलीफाई कर सकते हो वो कर दो उसको। तो ये तो क्या बन गया 1000 की पावर ट्रिपल नाइन अपॉन फैक्टोरियल 1000। ऐसे जब आप ए 1000 की बात शुरू किया 1000 की पावर 1000 अपॉन फैक्टोरियल 1000, ये भी सॉरी 1000 था क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब अगर मैक्स की वैल्यू ये दोनों होंगी तो फिर इसकी इक्वल आउट हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ये वैल्यू इस वैल्यू से लेस है ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर होगा तो मैक्सिमम इसकी किस्म हो सकता है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे अपन इस डिवाइड के फैक्टर को सेम लाते हैं, तो एक काम करो उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से और ट्रिपल लाइन से, तो 1000 से और ट्रिपल लाइन से जो मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में ये तो आ जाएगा 1000 का फैक्टोरियल, और न्यूमेरेटर में क्या जाएगा 1000 की पावर ट्रिपल लाइन इनटू बोलो आई एम। तो आप खुद सोचो ये तो डिनोमिनेटर में सेम है, ये 1000 की पावर 1000 है और ये 1000 की पावर ट्रिपल, मतलब ये थोड़ा लेस है ना इससे, इसका मतलब ए ट्रिपल ए डबल नाइन एट की वैल्यू ए ट्रिपल नाइन से लेस होगी। अरे हाँ है ना, कैसे कर सकते हो उसको ठीक है। उसके बाद जब आप ए 100 की वैल्यू करोगे कैलकुलेट तो वो भी आपकी जिस वैल्यू से क्या आने वाली है लेस आने वाली, क्या आने वाली बोलो लेस आने वाली। तो देन जब एन आपका 1000 और ट्रिपल नाइन होगा उसी केस में ए एन आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा और कभी मैक्सिमम नहीं होगा ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैज पॉजिटिव रूट्स ओनली तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसके फोर रूट लेट करो आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो प्लस माइनस प्लस ये टेक्निक पता होगी, तो सम ऑफ रूट तो क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या जाएगा 1/16। अब दो दो का प्रोडक्ट देखो आप 2-2 के प्रोडक्ट का सम सिग्मा अल्फा बीटा प्लस माइनस प्लस तो ए अपॉन आ गया 16, और 3-3 के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा गामा तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस तो माइनस के बी अपॉन 16। अब आपको सिंपल सी बात है ए और बी की वैल्यू के लिए ए अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू होना मस्ट है, पता होना मस्ट है। तो देखो इस क्वेश्चन की मेन थीम क्या है कि जो रूट्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव बोले गए हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव हैं, तो ये तो चारों का प्रोडक्ट समेशन है, ये सबका प्रोडक्ट है। तो आप क्या करो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में अप्लाई करो ए एम वर्धन जी, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा को पॉजिटिव बोला गया है। और सिंपल सी बात है थोड़े दिमाग में आना चाहिए कि वेरिएबल तो चार हैं और रिलेशन मेरे पास एक ही है, इनका तो कोई मतलब नहीं है ना, इन दोनों रिलेशनों से आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू को सेपरेट कैसे कर सकते हो फाइंड आउट, तो अपन ए एम जी एम से इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो इन चारों नंबर का ए एम तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा चारों का मल्टीप्लाई दिस पार्ट की पावर 1/4। तो 1/4 लोगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया ना, और 1/2 4 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मीनिंग क्या पता चला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का सम 2 है और ये 2 और 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये इक्वेशन कवर्ड होगी जब ये सम आपका 2 के इक्विवेलेंट होगा, इसका मतलब आपको इक्वल टू साइन लेना पड़ेगा इसमें, और इक्वल टू साइन लेने का मीनिंग ए एम इक्वल टू जी एम होगा, और ए एम इक्वल टू जी एम का मीनिंग ऑल नंबर्स आर इक्वल साइमल्टेनियसली, मतलब जिन नंबर्स में आपने ए एम जी एम को अप्लाई किया वो ऑल 4 नंबर्स आर साइमल्टेनियसली इक्वल। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर सारे के सारे नंबर इक्वल हैं तो सबकी वैल्यू देखो 1/2 होगी, और क्या अब ये 1/2 आ गया, देखो ब्लैक बोर्ड पे क्या करना है,
तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा 1/4 और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होगा 1/8 बट इसमें बेसिकली होगा क्या ये अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितनी बार होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा चार क्वांटिटीज है एक बार में दो क्वांटिटी लेनी है टोटल तो टोटल कितनी होंगी 6 पेयर होंगे ना 4C2 तो मतलब 1/4 आपका 6 टाइम आने वाला है तो क्या आ जाएगा ये इक्वल टू 6 × 1/4 तो 4 से 4 कैंसिल तो 4 तो ए तो आ गया 24 ए तो क्या गया 24 और ये आपके अल्फा बीटा गामा के टोटल कितने पेयर होंगे 4C3 मतलब 4C3 की वैल्यू क्या होगी 4 तो ये 4 पेयर होंगे तो क्या होगा ये इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 × 1/8 दिस इज 1/2 देन बी आ गया माइनस के 8 तो ए तो आ गया 24 और बी आ गया माइनस के 8 तो ए प्लस बी कितना आएगा 16 तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया सेकंड ऑप्शन आ गया ए माइनस बी 23 गलत है बी माइनस 8 गलत है इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा मतलब मेन थीम ये थी कि इसमें आपको AMGM को यूज करना है और ये पता कैसे चला कि जब रूट्स या कुछ वैल्यूज पॉजिटिव बोली गई हैं जो नंबर से वो पॉजिटिव है तो आप उसमें इजीली AMGM सोच सकते हो एक तो ये पता चला और दूसरी बात क्या पता चली कि वेरिएबल 4 हैं और रिलेशन मेरे पास 2 हैं तो फिर कुछ ना कुछ LHL RHL को ग्रेटर देन लेस देन प्रूफ करना पड़ेगा आपको ठीक है चलें उसके बाद मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है डेल्टा स्क्वायर बी दी डिस्क्रिमिनेंट एंड अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट देन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2a अल्फा प्लस डेल्टा एंड 2a बीटा माइनस डेल्टा कैन बी तो देखो सिंपल सी बात ये है डेल्टा स्क्वायर का मीनिंग तो क्या होगा इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ध्यान रखना ये डेल्टा स्क्वायर का मीनिंग क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा स्क्वायर बोला तो डेल्टा स्क्वायर मान लो डिस्क्रिमिनेंट को तो पहले तो बात करते हैं सम ऑफ रूट की आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें क्या बोला गया है उसके रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपको गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो तो रूट्स कौन कौन से हैं दिस पार्ट एंड दिस पार्ट तो इनका सम तो कितना आएगा 4a अल्फा बीटा सॉरी 2a कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा क्योंकि प्लस डेल्टा से माइनस डेल्टा कैंसिल अल्फा प्लस बीटा इसमें माइनस बी अपॉन ए है तो ये तो आ गया माइनस के 2b तो सम ऑफ रूट तो फिक्स आ गया माइनस के 2b अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2a अल्फा प्लस डेल्टा और दिस इज 2a बीटा माइनस डेल्टा ठीक है तो देखो फुर्ती से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा तो देखो इसको इससे किया तो आ गया 4a स्क्वायर अल्फा बीटा ये आएगा माइनस डेल्टा 2a अल्फा माइनस 2a अल्फा डेल्टा प्लस 2a बीटा डेल्टा और माइनस के डेल्टा स्क्वायर तो देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी सी अपॉन ए ये तो आ गया 4ac क्योंकि अपॉन में ए कैंसिल हो माइनस इसमें से एक काम करो कॉमन आ गया 2a डेल्टा तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा और माइनस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये तो रह गया प्लस 4ac और प्लस 4ac 8ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a डेल्टा ब्रैकेट में आ गया अल्फा माइनस बीटा बोलो हाँ ना बस इसी के बाद मजा है इस क्वेश्चन में और वो क्या इंटरेस्टिंग बात है सुनो ब्लैक बोर्ड पे आप सबने पढ़ा होगा रूट्स के डिफरेंस का फॉर्मूला रूट डी अपॉन ए तो सिंपल सी बात ये है इसमें अल्फा माइनस बीटा का जो मोड है वो क्या गया रूट डी डी इसमें क्या डी डेल्टा स्क्वायर बोला गया ना तो सीधा आ गया डेल्टा अपॉन ए ये आने के बाद हमको तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करनी है तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा अपॉन ए तो जब आप इसको पुट करोगे प्लस माइनस डेल्टा अपॉन ए तो ए तो कैंसिल आउट हो गया हटा दो इसको तो देखो इसमें दो केस अराइज कर देते हैं एक बार तो टेकिंग प्लस लो तो उससे प्रोडक्ट को डिफरेंट होगा तो टेकिंग प्लस में तो क्या होगा देखो 8ac माइनस बी स्क्वायर टेकिंग प्लस तो प्लस माइनस माइनस क्या गया 2 डेल्टा स्क्वायर
टू डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फाइनली ये आ गया कितना देखना, प्लस 8ac, और दिस इज 16ac माइनस के 3b स्क्वायर, और जब टेकिंग माइनस होगी तो इधर प्लस हो जाएगा ना, और ये प्लस आ गया तो 4ac से सॉरी प्लस आ गया तो माइनस 8ac से माइनस प्लस ac कैंसिल आउट, और प्लस 2b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर ओनली क्या जाएगा बोलो, b स्क्वायर, बोलो यस सर। तो दिस पार्ट आने के बाद इक्वेशन क्या होगी, एक आंसर तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो ले लो b स्क्वायर और सम क्या है माइनस के 2b, तो देन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस 2bx प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक आंसर तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, और सेकंड आंसर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 16ac माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0, एक आंसर इसका ही आ जाएगा, बोलो आया ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन है क्या, ऐसा कुछ x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b स्क्वायर जीरो, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया, और अगला ऑप्शन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3b स्क्वायर प्लस 16ac, तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में जब प्रोडक्ट और रूट करोगे तो मेन क्रिटिकल स्टेप यही है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू डी अपॉन ए मत लिख देना, प्लस माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो अपन ने क्या पढ़ते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू रूट डी अपॉन ए, ठीक है चले। हाँ ये बात हुई सेक्शन बी, अब बात करते हैं इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं क्या है, काफी लेंथी पेपर है ठीक है ना। देखो क्या करना है, इसमें ए वन वन है, ए एन आपको गिवन है, एन ए एन माइनस वन प्लस वन, एन आपका टू थ्री फोर है, तो बताओ PN अगर जिस पार्ट है तो लिमिट टेंस इनफिनिटी स्टेप PN की वैल्यू क्या होगी। देखो ब्लैक बोर्ड पे, ये थोड़ा अलग ही वैरायटी का क्वेश्चन है, A1 आपका बने तो अपन A2 की बात करते, तो इसमें देखो A2 क्या आएगा, N को 2 पुट करो तो 2 into A1 plus 1, तो A2 तो आ गया बेटा 4, एक काम करते हैं A3 को निकाल देते हैं, तो A3 क्या होगा, N को 3 लो तो 3 into A2 plus 1, तो क्या आ गया A2 की वैल्यू 4 है, 5 टू 15 आ गया ना, इतनी ऐसी A4 भी लिख के देख लेना आप। ये करने के बाद देखो क्या करना है, अपन इसको थोड़ा जनरलाइजेशन करते हैं, n को मैं 1 लेता हूं तो पहले p1 लिखेंगे, फिर p2, फिर p3, तो आप जस्टिफाई कर पाओगे कि pn की वैल्यू क्या आने वाली है, तो p1 तो क्या 1 plus 1 upon a1, और a1 आपका 1 है तो आ गया 1 plus 1 upon 1, अब इसको छेड़ना मत, ये 2 आ रहा, बाद में देखते हैं क्या करना है। सिमिलरली p2 की वैल्यू क्या है, इसमें p2 का मतलब n को 2 लेने पे 2 तक जाना है अपन को, तो 1 plus 1 upon a1, a1 is 2, और 1 plus 1 upon a2, a2 is 4, तो उसके गुणांक क्या होंगे, ये तो आ गया 3 upon 2 और ये आ गया 5 upon 4, यस सर। तो देन ये सॉल्व करने पे कितना आ गया, देखो कोई गुणांक में गलती नहीं होनी चाहिए, 1 upon a, अरे यार गड़बड़ी, a1 तो 1 है ना, और 1 upon a2, तो a2 कितना है 4 है ठीक है, तो क्या जाएगा 1, तो ये तो आ गया 2, तो ये आ गया 5 by 2। अब इस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो ये है, इस 5 by 2 का मीनिंग है बेटा 1 plus, ये बताने पड़ेगा मेरे को, देखो 1 and 1 2 और 1 by 2, तो आ गया 5 by 2, और इसका मीनिंग क्या है 1 plus 1 upon factorial 1। ऐसी जब आप P3 की बात करोगे, अब ये लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, P3 में क्या करोगे, एक और लिख देना इसका आगे, तो उसको जब कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो पता है वो क्या आने वाला है, 1 plus 1 upon factorial 1, 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3, ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। P3 में आ रहा है 3 का factorial, P4 में 4 का factorial जाएगा, तो Pn भी क्या होगा, n तक का factorial जाने वाला है, क्या जाने वाला है, n तक का factorial, तो अब इसमें सीधा लिख दिया जाएगा आपको, इसमें Pn क्या होगा, 1 plus 1 upon factorial 1, 1 upon factorial 2 up to 1 upon factorial n, और जब n आपका infinite की तरफ tend करेगा तो pn infinity क्या बन जाएगा, e की power x का formula, क्योंकि e की power x कहाँ जाएगा, infinity की तरफ, तो simple हो गया, तो e की power sorry n अगर infinity की तरफ जाने वाला है तो e की power x मतलब e का formula बन गया ना, क्योंकि उसमें तो x आता है,
तो एन अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा आपका, तो पी एन आपका ई की तरफ अप्रोच करेगा, तो फिर लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी पे पी एन आपका थ्री की तरफ अप्रोच करेगा, तो उसका स्टेप क्या होगा, ई का मीनिंग 2.7 का स्टेप इज टू, तो देन इसका करेक्ट आंसर फिल करना है आपको, ठीक है। चलो तो थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, सोचना बहुत टफ है कि इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, एक ए एन फंक्शन आपको डिफाइन है, तो वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1 से 2400 ए एन है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको किसी स्पेसिफिक सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपको टर्म्स गिवन है ए एन, उसको आप दो पार्टों में स्प्लिट करो डिफरेंस में, जिससे क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कैंसिल आउट होकर स्टार्टिंग में फर्स्ट और लास्ट टर्म रिमेनिंग रह सकती है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसमें पहले इसका कर दो रेशनलाइजेशन, तो ये जो आ रहा है ना n 1/4 प्लस, इसके कॉन्जुगेट से कर दो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर एक काम करते हैं इसी के से कर दो ना कॉन्जुगेट से, तो क्या जाएगा n की पावर 1/4 माइनस n की पावर n प्लस 1 की पावर 1/4, तो दिस प्लस दिस दिस माइनस आ गया पूर्ण में, तो क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया n की पावर 1/2 माइनस n प्लस 1 की पावर 1/2 आ गया, और ये वाला पार्ट दोबारा एज इट इज प्लस में, अगेन क्या बन गया a माइनस b इनटू a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा n माइनस n प्लस 1, तो ये माइनस में हो जाएगा फाइनली, कितना जाएगा माइनस 1, इसका मीनिंग इस माइनस 1 को ऊपर भेज दोगे तो an आ गया आपका n प्लस 1 की पावर 1/4 माइनस n की पावर, ये लो ये an आ गया। अब तो सिंपल है, आप कर सकते हो ये भी, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से 2400 n प्लस 1 की पावर 1/4 माइनस के n की पावर 1/4, देखो इसमें अपन 1/4 में लिमिट पुट करते हैं, n को 1 पुट करने पे क्या जाएगा 2 की पावर 1/4 माइनस, फिर n को 2 पुट कर दो तो 3 की पावर, तो देखो टर्म्स कैंसिल आउट होना, अगले में 4 की पावर और लास्ट में तो ये पुट करने पे 2401 की पावर 1/4 माइनस 1 की पावर 1/4 और अभी घर जाके देख लेना ये बेटा 7 की पावर 4 की वैल्यू है, तो क्या आंसर जाएगा 4 से 4 तो 6 आंसर जाएगा इसका, ठीक है। तो मेन स्टेप ये थी कि इसको दिस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है, और ये आना चाहिए जब भी किसी स्पेशल सीरीज को सॉल्व करना है, तो जो उसकी एनए टर्म है उसको आपको दो पार्टों में ब्रेक करने की ट्राई करें, या ईच टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है, वो भी सबट्रैक्शन की फॉर्मेट में, और फिक्स है मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये सीरीज बनती है ऐसी कि एक टर्म अगली से कैंसिल, मतलब एक टेलीस्कोप सीरीज बनना मस्ट है क्वेश्चन में, ये बनती है 100%। चलो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉर द कर्व साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 1 लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स और वाई दोनों 0 से पाई बाय 2 की रूटिंग है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर अल्फा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट, देन नॉन जीरो वैल्यू इक्वल टू, मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू है वो एल है, मतलब वो नॉन जीरो वैल्यू है, एल आपका पॉजिटिव है, तो बताओ एल अपॉन अल्फा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या करना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि लिमिट आपकी एक्स की है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इसका एक बार कर दो डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का तो क्या आ गया कॉस एक्स, फिर साइन वाई का कॉस वाई वाई डेस डी ओ वाई डी एक्स, जीरो आ गया ना, इससे आ गया वाई वन, वाई वन का डी ओ वाई डी एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन कॉस वाई। अब अगर इसका अगेन डी ओ वाई डी एक्स करोगे आप डी टू वाई, तो cos y आ रहा है तो y का dy dx लिखना पड़ेगा, तो उससे टाइम वेस्ट होगा, उसमें y चलता रहेगा साथ के साथ, तो अपन बेटर ऑप्शन क्या है कि cos y की वैल्यू को sin की टर्म में पुट कर दो। तो देखो ना यार sin y क्या आएगा 1 sin y आ गया 1 minus sin x, इसको ये लिख देते हैं अपन माइनस, भाई cos का मीनिंग c लिखेंगे sin का मीनिंग s, ताकि स्पेस बचेगा, इसको लिख दो 1 minus s square y
दिक्कत क्या है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर वाई का मोड मोड कोस वाई आ गया, रूट लोगे तो, और वाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मोड कोस एक्स मिल जाएगा। और जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया, माइनस के सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन वाई की वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस के 2s। ये आने के बाद जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 1 से तो 1 चला गया, तो क्या आ गया 2s माइनस एस स्क्वायर, क्या आ गया 2s माइनस के एस स्क्वायर, देन इससे इसका y1 आ गया बेटा माइनस c अपॉन 2s माइनस एस स्क्वायर का रूट, टेंशन मत लेना बाबा, ये इसका y1 आ गया ओनली sin x और cos x की टर्म में, c का मतलब cos x और s का मतलब sin x। ये आने के बाद अब अपन इसका करते हैं डबल डेस्ट d2y d2x। तो देखो अब ये करके देख लेते हैं, तो क्या जाएगा y1 का तो आ गया y2, इधर क्या जाएगा, देखो इस माइनस को तो रखो आप बाहर, डिनोमिनेटर एज इट इज तो रूट वाला पार्ट एज इट इज, सी का माइनस के कोस माइनस सी एज इट इज, डिनोमिनेटर का करोगे तो पहले रूट का करोगे तो क्या आएगा अपॉन में टू रूट, थोड़ा लेंथी बट इजी वे, टू एस माइनस एस स्क्वायर ब्रैकेट रूट के अंदर वाले पार्ट का 2s का तो आ गया 2c माइनस साइन स्क्वायर का 2 साइन cos x, तो 2sc आ जाएगा ये। और ये आने के बाद देखो ये 2 कॉमन आके इसको कैंसिल आउट कर देगा और अपॉन में क्या आएगा स्क्वायर स्क्वायर आएगा ना डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा डिनोमिनेटर से, तो क्या आ गया 2s माइनस s स्क्वायर। थोड़ा सा केयरफुली और देखो बस दिस पार्ट आने के बाद देखो मैं सीधा लिखने वाला हूं, जब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, और इसको हटा दो ये लोग। अब क्या करना है देखो, ये 2 तो हट गया ना, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो रूट हट गया और ये अपॉन में आके पावर बन जाएगी 3/2, तो देन इसका y2 क्या आ गया, इससे मल्टीप्लाई करने पे तो आ गया ये 2s माइनस s स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस के c और ये आ गया, और एक काम करो c है ना तो c को बाहर लोगे तो आ गया c स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस के एस और अपॉन में क्या आ गया बोलो रे जल्दी से 2s माइनस एस स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक काम करते हैं इसको जल्दी से करने के लिए, ये जो सी स्क्वायर है ना इसको लिख दो 1 माइनस एस स्क्वायर, क्या लिख देते 1 माइनस एस स्क्वायर, जब इसको 1 माइनस एस स्क्वायर लिखोगे आप तो देखो फाइनली क्या आने वाला है। और एक बात सुनो, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है इसको करने की, आप ऐसे ही रखोगे फिर भी काम चल जाएगा मेरा, चलो छोड़ो ऐसे रख लेते हैं, इसको दोबारा ले लेते हैं। ये आ गया वाई टू इक्वल टू 2s माइनस एस स्क्वायर प्लस सी इंटू या सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस अपॉन 2s माइनस एस स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें किसी को डाउट है क्या, दो बार डेफिनेशन करना है बस, मेन स्टेप ये थी कि पहले cos y की वैल्यू को sin की टर्म x की टर्म में पुट करना sin x की टर्म में। अब ये आने के बाद अब सिंपल क्वेश्चन है तो एक काम करता हूं इसको अपन इससे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, जरूरत नहीं है। ये आने के बाद अपन को क्या बताना है, l का मीनिंग बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर अल्फा d2y, तो वैल्यू को जब पुट करोगे तो देखो ब्लैक बोर्ड पे सीधा पुट कर देते हैं, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे या फिर एक काम करो उसको पूरा लिख दो समझाने के लिए, 2 sin x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 माइनस sin x अपॉन 2 sin x माइनस sin स्क्वायर x की पावर। अब एक ही लाइन का क्वेश्चन इसके बाद देखो ब्लैक बोर्ड पे, x को जब लिमिट 0 पुट करोगे साइन 0 0 साइन 0 0 नो प्रॉब्लम, साइन 0 0 1 माइनस 0 1 और कॉस 0 1 मतलब न्यूमेटर तो कंप्लीटली 1 आ गया, नो प्रॉब्लम, न्यूमेटर तो कंप्लीटली क्या आ गया 1 आ गया, तो ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन x को 0 रिमेनिंग पार्ट में पुट करोगे साइन 0 0 0 तो ये बन गया 0
और जीरो प्लस पे ये भी क्या बन गया जीरो, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन चुकी है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, ये डिनोमेटर में साइन एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डिनोमेटर में जीरो आ गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये जीरो नॉन जीरो बन जाए ऊपर जीरो तो क्या दिक्कत है, फिर तो वैल्यू जीरो आ सकती है ना। तो एक काम करते हैं इसके अंदर से साइन एक्स कॉमन ले लो आप। तो जब आप इसके अंदर से साइन एक्स कॉमन लोगे तो क्या आ गया, एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, न्यूमेटर में तो क्या ओनली एक्स की पावर रखा, ये तो मैंने हटाओ। तो जब आप इसमें से साइन एक्स कॉमन लोगे तो बाहर क्या जाएगा, साइन एक्स की पावर थ्री बाई टू। और एक काम करो, साइन एक्स की पावर थ्री बाई टू है, साइन एक्स की पावर थ्री बाई टू है तो आप ऐसे भी तो क्या दिक्कत है, तो साइन एक्स की पावर थ्री बाई टू और अपॉन में एक्स की पावर थ्री बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू है, इसका मतलब इधर एक्स की पावर थ्री बाई टू से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये लोग कर देते हैं। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन अपॉन साइन एक्स तो कॉमन आ गया और ये तो सेट हो गया मामला, क्योंकि ये करने से एक्स को जीरो लेने पे साइन जीरो जीरो तो ये आ गया टू की पावर थ्री बाई टू, यस सर। और इधर एक्स टेंड टू जीरो प्लस पे साइन एक्स अपॉन एक्स आपका वन होगा, हटा दो और ये क्या जाएगा, इस पावर को ऊपर लेके आओगे तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस थ्री बाई टू, बोलो वहां है ना, इसको हटा देते हैं। और अब सुनो, ये तो है आपका टू की पावर थ्री बाई टू और एक्स टेंड टू जीरो प्लस है, तो एक बात सुनो, अगर इसमें अल्फा की वैल्यू मैं लिख के दिखाता हूं आपको, अल्फा बाई चांस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू है तो इक्वल टू थ्री बाई टू लोगे आप तो जीरो से जस्ट ग्रेटर की पावर जीरो तो टेंस टू जीरो की पावर जीरो तो वन बन जाएगा ना। बट अगर अल्फा की वैल्यू थ्री बाई टू से ग्रेटर लोगे तो टेंस टू जीरो की पावर जीरो से ग्रेटर तो वो वैल्यू आपकी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि टेंस टू जीरो की पावर जीरो, टेंस टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो ये तो क्या बन जाएगा आपका वन, लेकिन टेंस टू जीरो की पावर जीरो से ग्रेटर तो फिर ये जीरो से ग्रेटर तो जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो लिमिट की वैल्यू फिर आपकी क्या होगी, जीरो। बट क्वेश्चन ने बोला गया कि लिमिट एल, जो लिमिट की वैल्यू है एल, वो आपकी नॉन जीरो वैल्यू है, तो देन ये कब होल्ड होगा, जब अल्फा एग्जैक्ट आपका क्या होगा थ्री बाई टू, तो अल्फा तो एग्जैक्ट आ गया थ्री बाई टू और लिमिट क्या जाएगी एल इक्वल टू, ये वन हो गया सब कुछ तो ये आ गया वन अपॉन टू की पावर, तो इसमें जो लिमिट की वैल्यू है वो तो क्या है वन अपॉन टू की पावर थ्री बाई टू और अल्फा आपका थ्री बाई टू है, इन दोनों वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करोगे कहाँ चला गया वो, तो देन इससे सोल्व करने पे आंसर क्या जाएगा 18, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद दो क्वेश्चन और फटाफट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी ए पॉइंट इन साइड ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड P1, P2, P10 be the distances of A from the sides of polygon. Side of polygon आपकी 2 है, तो then minimum possible integral value of 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P10. तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये let up, sorry, ये आपका polygon है, इसके अंदर कोई भी एक point है, इस point की इस पे perpendicular distance आपकी P1 है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, सेकेंड से डिस्टेंस आपकी P2 है, तो उसमें देखो क्या रिलेशन यूज करना है, आप इससे ट्राइंगल बनेगा, ऐसे टोटल बनेंगे 10 ट्राइंगल, तो जो ऑल ट्राइंगल का जो समय वो आपके पॉलीगन के रेगुलर पॉलीगन है उसके टोटल एरिया के सम के क्या होगा इक्विवेलेंट, तो देखो एरिया ऑफ पॉलीगन आप लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस 2 है सबका, तो हाफ 2 इंटू P1, तो सिंपल क्या जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P10, ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्या करना है, पॉइंट इनसाइड है तो उस पॉइंट से ईच साइड पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर और उसके वर्टेक्स को जॉइन करो, तो ये जो ट्राइंगल है इसका ई पॉइंट है, मिलो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बाहर ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, तो एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इज टू हाइट इज P1, तो P1 अगला P2 तो P10, मतलब जो P1 P2 P10 का समय वो क्या होगा एरिया ऑफ द पॉलीगन, और देखो इस रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैसे फाइंड करोगे, इसको रफ कॉपी में देख लेते थे, अपन को पता है अगर पॉलीगन रेगुलर है तो एक ट्रायंगल का जो एरिया इसका 10 टाइम्स कर देना, तो टोटल जो एंगल है इंटीरियर वो क्या होगा 2π और बाई 10 तो क्या गया ये 2π/10 है, तो इसका हाफ कितना जाएगा π/10, ये आपका 1 है ये भी 1 है और ये इसकी हाइट है लेट h, क्योंकि एरिया क्या होगा टोटल एरिया होगा 10 टाइम्स * 1/2 बेस इज टू और हाइट इज है, और हाइट एज कैसे निकालोगे
tan pi by 10 equal to 1 by h. अरे यार tan theta 1 upon h, तो h जाएगा cot 18 degree, या गया cot 18 degree, 2 से 2 चला गया, तो total area आ गया tan cot pi by 10. तो इसका जो समय है, वो क्या आ गया? tan cot pi by 10. अब this part आने के बाद देखो, अब इसमें आगे की step main है, P1, P2, P10 का सम गिवन है और उनके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू आपको करनी है कैलकुलेट. तो आप क्या करो, P1 से P10 में लगा दो, AM गिर देने चेन. तो 10 नंबर का अर्थमेटिक मीन गिर देने इक्वल टू हार्मोनिक मीन. तो 10 नंबर का AM तो क्या होगा, P1 से लेके P10 का एडिशन अपॉन 10, और इधर क्या जाएगा 10 अपॉन 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन P10. इसको उधर शिफ्ट कर दो, उसको डिवाइड में ले आओ, 10 इनटू 10 तो क्या आ गया 100 आ गया. तो क्या आ गया 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आ गया 100, और अपॉन में आ जाएगा P1 से P10 का सम, और P1 से P10 का सम क्या 10 cot pi by 10. तो जब इसको लिखोगे 10 cot pi by 10 तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 100 अपॉन 10, तो 10 आ गया और ऊपर चला गया 10 pi by 10, 10 18 डिग्री. अब आपको इसकी अप्रोक्सिमेट वैल्यू देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, बहुत सिंपल है, 10 18 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो 10 22 एंड हाफ से तो होगी लेस. आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि sin 18 cos 18 की वैल्यू पता, उसको पुट कर देना घर पे आराम से, और 10 15 से वैल्यू होगी ग्रेटर. तो 10 15 की वैल्यू तो आपको पता है 2 √3, और इसकी वैल्यू होगी √2 − 1, और ये बहुत यूजफुल वैल्यू, दोनों याद करें. रूट टू की अप्रोक्सिमेट वैल्यू क्या होगी, 1.41, तो ये तो हो जाएगा अप्रोक्सिमेट 41 के आसपास, अप्रोक्सिमेट बोला मैंने. और ये क्या होगा 2 − 1.71, तो ये जाएगा 2 − 1.71 0.312, ऐसे जो भी ऐसे कुछ होगा अप्रोक्सिमेशन. और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो अप्रोक्सिमेट वैल्यू क्या होगी 3 point something से ग्रेटर, 3 point something से 4 point something के बिटवीन, हाँ है ना, तो 3 point something से ग्रेटर वैल्यू होगी. सीधा लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो 10 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो 10 15 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये आपका क्या आएगा 0.32 से ग्रेटर. तो देन ही आपका 0.31 से 0.32 ग्रेटर है. तो उसने क्या पूछा अपन से, तो पॉसिबल जो मिनिमम वैल्यू इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 4 होगी ना, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू इज 4. इसने पूछा कि मिनिमम पॉसिबल इंटीगल वैल्यू, तो उसका 4 आंसर आपको फिल करना है, ठीक है. तो बस इसमें मेन कांसेप्ट यही था कि इसमें AM greater than HM यूज करना था. चलो और इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस रीच का सम आपको 1 गिवन है तो बताओ n इक्वल टू. तो देखो इस क्वेश्चन को बेसिकली तो दो मेथड है, एक मेथड तो क्या उसकी हिंट देता हूं मैं आपको, आपको इस रीच का सम चाहिए ना, इसको a सेलेक्ट कर देते हैं, 31C5 माइनस, एक काम करो 31C5 को घटाओ एक बार, इसका तो यूज बाद में करना, इस माइनस वाले सम को लिख लेते, माइनस तो कॉमन लेना सम, इसे क्या जाएगा 30C4, क्योंकि फर्स्ट टर्म का प्रीफिक्स सफिक्स चेंज है तो इसको सेपरेट रखो आप, सम में माइनस तो कॉमन आ गया और लास्ट में आ जाएगा प्लस NC4. तो आपको पता होगा कि जब सफिक्स चेंज हो रहा हो और प्रीफिक्स आपका प्रीफिक्स तो चेंज और सफिक्स आपका सेम है, इस 30C4 का मीनिंग क्या, 1 प्लस x की पावर 30 में x की पावर 4 का कोफिशिएंट, 1 प्लस 29 की पावर 30 में 20, 1 प्लस x की पावर 29 में 30 का 4 का कोफिशिएंट, और 28C4 का मीनिंग है 1 प्लस x की पावर 28 में x की पावर 4 का कोफिशिएंट, और इसका मीनिंग है 1 प्लस x की पावर n में, मतलब इस टोटल के सम में जब आप x की पावर 4 का क्या लोगे कोफिशिएंट, तो यही समेशन मिलेगा, और ये क्या है जीपी बन चुकी है जिसकी फर्स्ट टर्म, वो मान लो कोई सी भी दिन अपन रिवर्स लिखते हैं, क्योंकि इसके केस में कॉमन रेशियो आएगा 1/1 + x, और फर्स्ट टर्म ये मानोगे तो कॉमन रेशियो क्या आएगा 1 + x, और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे टीपी टर्म, टोटल टर्म के लिए क्या करो, लेट फर्स्ट टर्म इज की n है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है p - 1, और कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, तो इसकी
टीपी टर्म तो 30 है ना, अरे यार एन अगला एन प्लस वन 30 तक, तो एन से लेके 30 तक नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है आपको, तो क्या करो लास्ट टर्म 30 इक्वल टू एन प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो क्या गए एन प्लस पी माइनस वन, तो देन इससे पी आ जाएगा 31 माइनस एन, मतलब टोटल टर्म है इसमें 31 माइनस एन। तो चलो इस सीरीज का सम क्या आ गया, ए तो इसको क्या है फर्स्ट टर्म तो क्या 1 प्लस एक्स की पावर एन, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स की पावर नंबर ऑफ टर्म से 31 माइनस एन माइनस 1 अपॉन आर इज 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। तो देखो इस सम क्या आ गया, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एन अपॉन एक्स टेकिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। ये इससे आ चुका है, तो देखो इसको हटा देते हैं, तो अपॉन में एक्स आ रहा है, तो इसका मीनिंग आपको न्यूमेरेटर में से एक्स की पावर 5 का लेना कोफिशिएंट, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो इससे तो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा 31c5 x की पावर 5 का, और इससे क्या जाएगा माइनस के nc, इसका समेशन दिस पार्ट आ गया। अब इस समेशन की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया क्वेश्चन देखो 31c5 minus nc5 equal to 1, ये से कैंसिल आउट, तो क्या आ गया nc5 equal to 1, तो nc5 की वैल्यू 1, तो n और r दोनों इक्वल होंगे, तो n इक्वल टू क्या जाएगा। तो ये मेथड सिंपल है, और सेकंड मेथड क्या वो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं, आप क्या करना है जब इसमें यूज करना ये फॉर्मूला ncr + ncr - 1 = n + 1cr, मतलब बेसिकली क्या करना है इस 31c5 को ये नोट हो गया सबका, इसमें क्या करो जो 31c5 है इसको आप लिख सकते हो 30c4 30c5, देखो ये लिखने के बाद ये टर्म आपकी इससे कैंसिल, फिर इसको अगेन क्या लिख सकते हो 29c4 29c5, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल, अगेन इसको लिख सकते हो, मतलब इसका मीनिंग ये समझ में आ गया कि 20c4 के लिए क्या रहा है 29 वाले दोनों आ रहे हैं 4 और 5, 29c4 के लिए इससे जस्ट पहले कौन आ रहा है इससे एक ग्रेटर के दोनों आ रहे 4 और 5, तो देन nc4 के लिए इसे जस्ट पहले कौन आ रहा होगा माइनस के n-1c4 और n-1c3, इस टाइप से लिखना है इसको, ठीक है। तो देन आप इजीली चेक कर पाओगे कि आगे वाली टर्म क्या होने वाली, मतलब लिख के देखना आप कि 30c4 के लिए आपने क्या लिखा, सॉरी सेम उसके साथ है 30c4 के लिए कौन आ रहा है 30c4 + 30c5, 29c4 के लिए कौन आ रहा है 29c4 + 20c5, तो देन इसके लिए इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या ली होगी nc4 + nc5, बस सिंपल सी बात ही है, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ गया nc5 = 1, तो n = 5, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसका 5 आंसर आपको फिल करना है। चलो बेटा थैंक यू।